शाहिद कपूर सर की साल 2019 की रोमांटिक एक्शन मूवी कबीर सिंह के लिए इस वीडियो के अंदर आए हो तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2019 की रोमांटिक एक्शन मूवी कबीर सिंह की हिंदी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन कबीर सिंह फुल HD पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। IMDb की तरफ से 7 out of 10 की रेटिंग मिली हुई वन ऑफ द फाइनेस्ट एक बेहतरीन मूवी कबीर सिंह आप सभी को फुल HD पर देखना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिएगा। आप सभी को बता दें कबीर सिंह के अंदर लीड कास्ट में आप सभी को शाहिद कपूर, किया रेडवानी, निकिता दत्त, टीना सिंह जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। आप सभी को बता दें कि ये मूवी संदीप रेड्डी वाघा ने डायरेक्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, संदीप रेड्डी वाघा जिन्होंने हाल ही में रिलीज हुई मूवी एनिमल को ही डायरेक्ट किया था, जो कि इतने बड़े इतने पॉपुलर डायरेक्टर जिन्होंने बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज़ को डायरेक्ट कर रहे हैं और सुपरहिट मूवीज़ आप सभी के पास लेकर आ रहे हैं। बेहतरीन मूवीज़ के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वाघा ने अपकमिंग डेज में इस मूवी के सीक्वल को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप लोगों में से कनकन संदीप रेड्डी वाघा की हाल ही में रिलीज हुई मूवी एनिमल को फुल HD पर देख चुकी है या फिर नहीं, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके बताइएगा। और अपकमिंग डेज में आप सभी को संदीप रेड्डी वाघा की अपकमिंग मूवी सीक्वल के बारे में आप सभी को जानकारी तो करवाएंगे। उसके अलावा आप सभी को इन दिनों बेहतरीन बॉलीवुड की मूवीज़ देखने को मिल रही है, आप लोगों को इस तरीके के फुल HD प्रीमियर पर मूवी देख रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। कबीर सिंह वन ऑफ द फाइनेस्ट एक बेहतरीन मूवी बन चुकी है, 2019 में रिलीज हुआ था इस मूवी को एक रोमांटिक मूवी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 379 करोड़ की कलेक्शन कर ली थी। एक बेहतरीन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कर लिया, जो कि काफ़ी सारे लोग इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड रहते थे। पिछले टाइम बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज डिजिटल प्रीमियर पर भी देखने को मिला था, लोगों को काफ़ी पॉपुलर मूवी के बारे में चर्चे हो रहे थे और लोगों के पास अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद था। तेलुगु इंडस्ट्री के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वाघा ने पिछले टाइम बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज़ को लेकर आ चुकी है, जो कि ये मूवी आप सभी को ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी ऑफिशियली आप सभी को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स प्रीमियर कबीर सिंह एक बेहतरीन रोमांटिक मूवी है, जिसके वजह से शाहिद कपूर की करियर में इतना ज़्यादा चेंजेस आया, साथ ही साथ इसके वजह से किया रेडवानी के करियर में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया था, जो कि इस मूवी के रीज़न से ही इन दोनों के करियर में इतने ज़्यादा चेंजेस आया। एक पॉपुलर मूवी बना था, लो बजट मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया था। आप लोगों में से कनकन इस तरह के जॉनर की मूवीज़ फ़ैन हो, कबीर सिंह फुल HD पर देखना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। एक बेहतरीन मूवी अर्जुन रेड्डी का ऑफिशियली रीमेक मूवी होने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने इतनी बढ़िया कमाई कर ली और इतने तेज़ी से वायरल हुआ था ये मूवी, और संदीप रेड्डी वाघा की डायरेक्टर बनी हुई इस मूवी ने जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बहुत ही तगड़े कमाई कर ली थी। और इस टाइम एनिमल मूवी जो कि संदीप रेड्डी वाघा की डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी एनिमल, जिसने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया है। आप लोगों में से कनकन इस जॉनर की मूवीज़ के फैन हो, इस तरह के मूवी हिंदी में देखना पसंद करती हो तो दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों को संदीप रेड्डी वाघा का मूवी पसंद है, उनकी इस तरह के बेहतरीन मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। इन दिनों आप सभी को बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज़ देखने को मिल रही है, जो कि पिछले टाइम आप सभी को बेहतरीन मूवीज़ के बारे में अपडेट जानना था और लोगों ने हमें कमेंट करके पूछ रहे थे ये सब मूवी की हिंदी फिल्में के लिए, और इन दिनों बेहतरीन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचाने वाली बेहतरीन मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है। मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा, आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ प्रीमियर पर लेके दिखाना चाहता हूँ, जो कि पिछले टाइम लोगों ने इस तरह के जॉनर की मूवीज़ को देखना पसंद कर रहे थे और लोगों ने हमें कमेंट करके बताया था कबीर सिंह की फुल HD प्रीमियर कैसे यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा वो जानने के लिए, जो कि शाहिद कपूर सर ने पिछले टाइम बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ के अंदर काम कर चुके हैं। इसमें रोमांटिक एक्शन मूवी कबीर सिंह जो एक रीमेक मूवी होने के बाद भी इनकी इतनी पॉपुलरिटी रही। आप लोगों में से कनकन इस मूवी के फ़ैन हो, और आप सभी को बता दें ब्लडी डैडी हाल ही में रिलीज हुई शाहिद कपूर की लीड कास्ट में बनी हुई मूवी, जो आप सभी को ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। ये मूवी भी आप सभी को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स प्रीमियर
पर रिलीज हुई ब्लडी डैडी भी वन ऑफ द फाइनेस्ट बेहतरीन मूवी बन चुकी है। आप लोगों में से कन कन इन जॉनरा की मूवीज के फैन हो, इस तरह के मूवीज आप लोगों ने देखना पसंद करते हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों को कबीर सिंह जैसी रोमांटिक मूवीज देखना पसंद था, और पिछले टाइम काफी सारे लोग को आसानी से इन जॉनरा की बेहतरीन मूवीज देखने को मिल रही थी। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज और काफ़ी अच्छी खासी मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, कबीर सिंह जैसी एक रोमांटिक बेहतरीन मूवी जो तेलुगु इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जो कि संदीप रेड्डी भागा ने इस टाइम पर प्रीमियर किया है, जो आप सबने अभी थिएटर पर जाकर देख सकते हो। एनिमल मूवी रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना के लीड कास्ट में बनी हुई मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर डांसू कमाई कर रही है और लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है ये मूवी, और लोग इन दिनों इस मूवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं और लोगों ने इस जॉनर की मूवीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। आप लोगों में से कन कन संदीप रेड्डी भागा के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवीज़ देखना पसंद करते हो और शाहिद कपूर के फैन हो, ब्लडी डैडी, जबी मेट, जर्सी जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज रहने के बाद इनकी 2023 में इस मूवी आया है, और कमिंग डेज में कौन सी मूवी आएगा, कौन से जॉनर की मूवी उनको देखने को मिल जाएगा, ये बात तो आप सभी को रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा। अभी हम आप सभी को कुछ कह नहीं सकते, मूवी के बारे में काफ़ी दिनों से चर्चे हो रहे थे और लोगों ने इस मूवी को फुल HD प्रीमियर पर देखना चाहते थे, जिसके रीज़न से आज की इस वीडियो में आप सभी को मूवी के यूट्यूब प्रीमियर के बारे में चर्चा दे रहे हैं, जो कि ये मूवी आप लोगों को YouTube पर कुछ टाइम पहले देखने को मिला था, पर दोस्तों कुछ टेक्निकल रीजंस के वजह से मूवी को रिमूव कर दिया गया, जो ऑफिशियली आप सभी को Netflix पर देखने को मिल जाएगा। Netflix प्रीमियर कबीर सिंह जो आप सभी का एनिमल मूवी भी आप सभी को Netflix पर ही देखने को मिल सकता है। इतनी बढ़िया और बेहतरीन मूवीज आप सभी को देखने को मिल रही है Netflix प्रीमियर, और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज के साथ आप सभी को देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिए, और अपकमिंग डेज में कौन सी जॉनर की मूवी देखना पसंद करते हो, किस तरह के किरदार के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, आप हमें कमेंट करिएगा। उनकी रीमेक मूवी जर्सी एक फ्लॉप मूवी रही थी, संदीप रेड्डी भाका के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवीज़ आप लोगों को देखना पसंद है, तो दोस्तों इस टाइम आप सभी को मैं और कुछ नई मूवी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों एनिमल मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा रहा है, जिसकी सबसे पहले आप लोगों ने उसी मूवी को थिएटर जाकर देखी है, इसके बाद ही आप सभी को अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा प्यार और एक्साइटिंग मूवीज देखने को मिल जाएगा। इन दिनों आप सभी को शाहिद कपूर सर की बेहतरीन मूवी प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा, और संदीप रेड्डी के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवीज़ में आप सभी को महानती, स्प्रिट, अर्जुन रेड्डी, आदित्य वर्मा जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे, और इन दिनों लोगों के पास काफ़ी अच्छा खासा मूवी देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, और #कबीर सिंह फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। अपकमिंग डेज में आप सभी को और भी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग बेहतरीन मूवीज़ आप सभी के पास हम लेकर आएंगे, और आप सभी को इन जॉनर की मूवी ज़्यादा पसंद है और इस तरह के मूवी की प्रीमियर के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहती हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। अपकमिंग डेज में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। कियारा आडवाणी की करियर पर काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ आ गई थी, जिसमें से ये एक मूवीज़ ने उनकी करियर को इतना ज़्यादा चेंजेस किया और लाइफ टाइम चेंजेस मूवी बनी, जिसके रीज़न से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने धूम मचा दिया था। आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, और अपकमिंग डेज में आप सभी को इन जॉनर की मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे आप हमें बताइएगा। कबीर सिंह जैसी बेहतरीन मूवी आप सभी को पसंद है, दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। संदीप रेड्डी भाका के डायरेक्टर बनी हुई मूवी एनिमल जो थिएटर पर हल्का पिट रही है, उस मूवी को सबसे पहले आप लोगों ने थिएटर पर जाकर देखिए, उसके तुरंत बाद ही आप सभी को हम अपकमिंग नई डेज की मूवीज़ प्रीमियर में लेकर आएंगे, और वो सब मूवी के बारे में आप सभी को हम अपडेट भी देने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #कबीर सिंह फुल मूवी लेके कमेंट करिए, और बताइए कि दोस्तों अपकमिंग डेज में आप सभी को और भी ज़्यादा एक्साइटिंग पैरा मूवी में कौन सी मूवी देखना पसंद है, और कौन सी मूवी के किरदार के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, और आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी और बेहतरीन मूवी प्रीमियर करके भी दिखाएंगे, और
इन दिनों आप सभी को कबीर सिंह जैसी बेहतरीन मूवीज़ देखना है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ढांसू कमाई करने वाली मूवीज़ के फ़ैन हो तो दोस्तों आप लोगों ने हमारे स्पीडे को लाइक करिएगा। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ किया रेडवानी इस टाइम बॉलीवुड की एक पॉपुलर बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड की एक पॉपुलर एक्ट्रेस बन चुकी है जिनकी मूवीज़ को लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। जिनकी पिछले टाइम रिलीज हुई काफ़ी सारी मूवीज़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर रही थी और लोगों को वो सब मूवी भी काफ़ी अच्छा लगा था। और मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा इन दिनों इस तरह के मूवीज़ फिल्में के लिए और काफ़ी सारी सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ के लिए आप सभी को मैं भी रिकमेंड करूँगा। और इस तरह के बेहतरीन मूवीज़ के साथ इस टाइम कबीर सिंह की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी बेहतरीन कमाई करने के सबसे बड़े रीजंस की कियारा आडवाणी और शाहिद कपूर की एक्टिंग करियर, उसके साथ साथ संदीप रेड्डी भागा ने जिस तरह से मूवी के डायरेक्टर के अंदर काम किए और जिन्होंने इतनी पॉपुलर मूवी को डायरेक्ट किया, तीनों ही मूवी आप लोगों ने देख सकते हो संदीप रेड्डी भागा के करियर के अंदर जो काफ़ी पॉपुलर रह चुकी है। तो दोस्तों स्पीडे को लाइक करिए और संदीप रेड्डी भागा की रिसेंटली रिलीज हुई मूवी आप लोगों ने एनिमल फुल एचडी पर देखी है और नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेना रिकमेंड करते हैं, जो कि एनिमल मूवी भी फुल एचडी पर आप सभी को उधर ही देखने को मिल जाएगा। शाहिद कपूर सर की साल 2019 की रोमांटिक एक्शन मूवी कबीर सिंह के लिए इस वीडियो के अंदर आए हो तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2019 की रोमांटिक एक्शन मूवी कबीर सिंह की हिंदी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन कबीर सिंह फुल एचडी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। आईएमडीबी की तरफ से 7/10 की रेटिंग मिली हुई वन ऑफ द फाइनेस्ट एक बेहतरीन मूवी कबीर सिंह आप सभी को फुल एचडी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिएगा। आप सभी को बता दें कबीर सिंह के अंदर लीड कास्ट में आप सभी को शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, निकिता दत्त, टीना सिंह जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। आप सभी को बता दें कि ये मूवी संदीप रेड्डी भागा ने डायरेक्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, संदीप रेड्डी भागा जिन्होंने हाल ही में रिलीज हुई मूवी एनिमल को ही डायरेक्ट किया था, जो कि इतने बड़े इतने पॉपुलर डायरेक्टर जिन्होंने बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ को डायरेक्ट कर रहे और सुपर हिट मूवीज़ आप सभी के पास लेकर आ रहे बेहतरीन मूवीज़ के डायरेक्टर संदीप रेड्डी भागा ने अपकमिंग डेज में इस मूवी के सीक्वल को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप लोगों में से कनकन संदीप रेड्डी भागा की हाल ही में रिलीज हुई मूवी एनिमल को फुल एचडी पर देख चुकी है या फिर नहीं, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके बताइएगा। और अपकमिंग डेज में आप सभी को संदीप रेड्डी भागा की अपकमिंग मूवी सीक्वल के बारे में आप सभी को जानकारी तो करवाएंगे। उसके अलावा आप सभी को इन दिनों बेहतरीन बॉलीवुड की मूवीज़ देखने को मिल रही है, आप लोगों को इस तरह के फुल एचडी प्रीमियर पर मूवी देख रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। कबीर सिंह वन ऑफ द फाइनेस्ट एक बेहतरीन मूवी बन चुकी है, 2019 में रिलीज हुआ था इस मूवी को एक रोमांटिक मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 379 करोड़ की कलेक्शन कर ली थी। एक बेहतरीन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कर लिया, जो कि काफ़ी सारे लोग इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड रहते थे। पिछले टाइम बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ डिजिटल प्रीमियर पर भी देखने को मिला था, लोगों को काफ़ी पॉपुलर मूवी के बारे में चर्चे हो रहे थे और लोगों के पास अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद था। तेलुगु इंडस्ट्री के डायरेक्टर संदीप रेड्डी भागा ने पिछले टाइम बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ को लेकर आ चुकी है, जो कि ये मूवी आप सभी को ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी ऑफिशियली आप सभी को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स प्रीमियर कबीर सिंह एक बेहतरीन रोमांटिक मूवी है, जिसके वजह से शाहिद कपूर की करियर में इतना ज़्यादा चेंजेस आया, साथ ही साथ इसके वजह से कियारा आडवाणी की करियर में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया था, जो कि इस मूवी के रीज़न से ही इन दोनों की करियर में इतने ज़्यादा चेंजेस आया। एक पॉपुलर मूवी बना था, लो बजट मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया था। आप लोगों में से कनकन इस तरह के जॉनर की मूवीज़ फ़ैन हो, कबीर सिंह फुल एचडी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। एक बेहतरीन मूवी अर्जुन रेड्डी का ऑफिशियली रीमेक मूवी होने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने इतनी बढ़िया कमाई कर ली और इतने तेज़ी से वायरल हुआ था ये मूवी और संदीप रेड्डी भागा की डायरेक्टर बनी हुई इस मूवी ने जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बहुत ही तगड़े कमाई कर ली थी। और इस टाइम एनिमल मूवी जो कि
संजू रेड्डी भागे की डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी एनिमल, जिसने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया है। आप लोगों में से कन कन इस जॉनर की मूवीज के फैन हो, इस तरह के मूवी हिंदी में देखना पसंद करती हो, तो दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों को संदीप रेड्डी भागा का मूवी पसंद है, उनकी इस तरह के बेहतरीन मूवीज देखना पसंद करते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। इन दिनों आप सभी को बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ देखने को मिल रही है, जो कि पिछली टाइम आप सभी को बेहतरीन मूवीज़ के बारे में अपडेट जानना था और लोगों ने हमें कमेंट करके पूछ रहे थे ये सब मूवी की हिंदी फिल्में के लिए, और इन दिनों बेहतरीन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचाने वाली बेहतरीन मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है। मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा, आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ प्रीमियर पर लेके दिखाना चाहता हूं, जो कि पिछले टाइम लोगों ने इस तरह के जॉनर की मूवीज़ को देखना पसंद कर रहे थे और लोगों ने हमें कमेंट करके बताया था कबीर सिंह की फुल एचडी प्रीमियर कैसे यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा वो जानने के लिए, जो कि शाहिद कपूर सर ने पिछले टाइम बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ के अंदर काम कर चुके हैं। इसमें रोमांटिक एक्शन मूवी कबीर सिंह जो एक रीमेक मूवी होने के बाद भी इनकी इतनी पॉपुलरिटी रही, आप लोगों में से कन कन इस मूवी के फ़ैन हो। और आप सभी को बता दें ब्लडी डैडी हाल ही में रिलीज़ हुई शाहिद कपूर की लीड कास्ट में बनी हुई मूवी, जो आप सभी को ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। ये मूवी भी आप सभी को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर रिलीज़ हुई ब्लडी डैडी भी वन ऑफ द फाइनेस्ट बेहतरीन मूवी बन चुकी है। आप लोगों में से कन कन इन जॉनर की मूवीज़ के फ़ैन हो, इस तरह के मूवीज़ आप लोगों ने देखना पसंद करते हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों को कबीर सिंह जैसी रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद था, और पिछले टाइम काफ़ी सारे लोगों को आसानी से इन जॉनर की बेहतरीन मूवीज़ देखने को मिल रही थी, बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़, और काफ़ी अच्छी खासी मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ को देखना पसंद करते हो कबीर सिंह जैसी एक रोमांटिक बेहतरीन मूवी जो तेलुगु इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जो कि संदीप रेड्डी भागा ने इस टाइम पर प्रीमियर किया है, जो आप सबने अभी थिएटर पर जाकर देख सकती हो। एनिमल मूवी रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना के लीड कास्ट में बनी हुई मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर डांसू कमाई कर रही है और लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है ये मूवी, और लोग इन दिनों इस मूवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं और लोगों ने इस जॉनर की मूवीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। आप लोगों में से कन कन संदीप रेड्डी भागा के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवीज़ देखना पसंद करती हो और शाहिद कपूर के फैन हो। ब्लडी डैडी, जबी मेट, जर्सी जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ देने के बाद इनकी 2023 में इस मूवी आया है, और अपकमिंग डेज में कौन सी मूवी आएगा, कौन से जॉनर की मूवी उनको देखने को मिल जाएगा, ये बात तो आप सभी को रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा। अभी हम आप सभी को कुछ कह नहीं सकते, मूवी के बारे में काफ़ी दिनों से चर्चे हो रहे थे और लोगों ने इस मूवी को फुल एचडी प्रीमियर पर देखना चाहते थे, जिसके रीज़न से आज की इस वीडियो में आप सभी को मूवी के यूट्यूब प्रीमियर के बारे में चर्चे दे रहे हैं, जो कि ये मूवी आप लोगों को YouTube पर कुछ टाइम पहले देखने को मिला था, पर दोस्तों कुछ टेक्निकल रीजंस के वजह से मूवी को रिमूव कर दिया गया, जो ऑफिशियली आप सभी को Netflix पर देखने को मिल जाएगा। Netflix प्रीमियर कबीर सिंह जो आप सभी का एनिमल मूवी भी आप सभी को Netflix पर ही देखने को मिल सकता है। इतनी बढ़िया और बेहतरीन मूवीज आप सभी को देखने को मिल रही है Netflix प्रीमियर, और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज के साथ आप सभी को देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिए, और अपकमिंग डेज में कौन सी जॉनर की मूवी देखना पसंद करते हो, किस तरह के किरदार के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, आप हमें कमेंट करिएगा। उनकी रीमेक मूवी जर्सी एक फ्लॉप मूवी रही थी, संदीप रेड्डी भागा की डायरेक्टर पर बनी हुई मूवीज़ आप लोगों को देखना पसंद है। तो दोस्तों इस टाइम आप सभी को मैं और कुछ नई मूवी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों एनिमल मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा रहा है, जिसकी सबसे पहले आप लोगों ने उसी मूवी को थिएटर जाकर देखी है। इसके बाद ही आप सभी को अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा प्यार और एक्साइटिंग मूवीज देखने को मिल जाएगा। इन दिनों आप सभी को शाहिद कपूर सर की बेहतरीन मूवी प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा, और संदीप रेड्डी के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवीज़ में आप सभी को महानती, स्प्रीत, अर्जुन रेड्डी, आदित्य वर्मा जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है। अपकमिंग डेज
उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे और इन दिनों लोगों के पास काफ़ी अच्छा खासा मूवी देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हैशटैग कबीर सिंह फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। अपकमिंग डेज में आप सभी को और भी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग बेहतरीन मूवीज़ आप सभी के पास हम लेकर आएंगे और आप सभी को इन जानना की मूवी ज़्यादा पसंद है और इस तरह के मूवी की प्रीमियर के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहती हो। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। अपकमिंग डेज में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। कियारा आडवाणी की करियर पर काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ आ गई थी जिसमें से ये एक मूवीज़ ने उनके करियर को इतना ज़्यादा चेंजेस किया और लाइफ टाइम चेंजेस मूवी बनी जिसके रीज़न से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने धूम मचा दिया था। आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और अपकमिंग डेज में आप सभी को इन जॉनर की मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे आप हमें बताइएगा। कबीर सिंह जैसी बेहतरीन मूवी आप सभी को पसंद है तो दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। संदीप रेड्डी भाका के डायरेक्टर बनी हुई मूवी एनिमल जो थिएटर पर हल्का पिट रही है उस मूवी को सबसे पहले आप लोगों ने थिएटर पर जाकर देखिए। उसके तुरंत बाद ही आप सभी को हम अपकमिंग नई डेज की मूवीज़ प्रीमियर में लेकर आएंगे और वो सब मूवी के बारे में आप सभी को हम अपडेट भी देने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर हैशटैग कबीर सिंह फुल मूवी लेके कमेंट करिए और बताइए कि दोस्तों अपकमिंग डेज में आप सभी को और भी ज़्यादा एक्साइटिंग पैरा मूवी में कौन सी मूवी देखना पसंद है और कौन सी मूवी के किरदार के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो और आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी और बेहतरीन मूवी प्रीमियर करके भी दिखाएंगे। और इन दिनों आप सभी को कबीर सिंह जैसी बेहतरीन मूवीज़ देखना है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ढांसू कमाई करने वाली मूवीज़ के फ़ैन हो तो दोस्तों आप लोगों ने हमारे स्पीड को लाइक करिएगा। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ कियारा आडवाणी इस टाइम बॉलीवुड की एक पॉपुलर बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों बॉलीवुड की एक पॉपुलर एक्ट्रेस बन चुकी है जिनकी मूवीज़ को लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दे रहे और पसंद कर रहे जिनकी पिछले टाइम रिलीज हुई काफ़ी सारी मूवीज़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर रही थी और लोगों को वो सब मूवी भी काफ़ी अच्छा लगा था। और मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा इन दिनों इस तरह के मूवीज़ फिल्में के लिए और काफ़ी सारी सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ के लिए आप सभी को मैं भी रिकमेंड करूँगा और इस तरह के बेहतरीन मूवीज़ के साथ इस टाइम कबीर सिंह की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी बेहतरीन कमाई करने के सबसे बड़े रीजंस की कियारा आडवाणी और शाहिद कपूर की एक्टिंग करियर उसके साथ साथ संदीप रेड्डी भाका ने जिस तरह से मूवी के डायरेक्टर के अंदर काम किए और जिन्होंने इतनी पॉपुलर मूवी को डायरेक्ट किया तीनों ही मूवी आप लोगों ने देख सकते हो संदीप रेड्डी भाका के करियर के अंदर जो काफ़ी पॉपुलर रह चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए और संदीप रेड्डी भाका की रिसेंटली रिलीज हुई मूवी आप लोगों ने एनिमल फुल एचडी पर देखी है और नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन लेना रिकमेंड करते हैं जो कि एनिमल मूवी भी फुल एचडी पर आप सभी को उधर ही देखने को मिल जाएगा। शाहिद कपूर सर की साल 2019 की रोमांटिक एक्शन मूवी कबीर सिंह के लिए इस वीडियो के अंदर आए हो तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2019 की रोमांटिक एक्शन मूवी कबीर सिंह की हिंदी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कन कन कबीर सिंह फुल एचडी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। आईएमडीबी की तरफ से 7/10 की रेटिंग मिली हुई वन ऑफ द फाइनेस्ट एक बेहतरीन मूवी कबीर सिंह आप सभी को फुल एचडी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिएगा। आप सभी को बता दें कबीर सिंह के अंदर लीड कास्ट में आप सभी को शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, निकिता दत्त, टीना सिंह जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। आप सभी को बता दें कि ये मूवी संदीप रेड्डी भाका ने डायरेक्ट किया है। जी हाँ दोस्तों संदीप रेड्डी भाका जिन्होंने हाल ही में रिलीज हुई मूवी एनिमल को ही डायरेक्ट किया था जो कि इतने बड़े इतने पॉपुलर डायरेक्टर जिन्होंने बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज़ को डायरेक्ट कर रहे और सुपरहिट मूवीज़ आप सभी के पास लेकर आ रहे हैं बेहतरीन मूवीज़ के डायरेक्टर संदीप रेड्डी भाका ने अपकमिंग डेज में इस मूवी के सीक्वल को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप लोगों में से कनकन संदीप रेड्डी भाका की हाल ही में रिलीज हुई मूवी एनिमल को फुल एचडी पर देख चुकी है या फिर नहीं सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके बताइएगा और अपकमिंग डेज में आप सभी को संदीप रेड्डी भाका की अपकमिंग मूवी सीक्वल के बारे में आप सभी को जानकारी तो करवाएंगे। उसके अलावा आप सभी को इन दिनों
बेहतरीन बॉलीवुड की मूवीज देखने को मिल रही है आप लोगों को इस तरीके के फुल HD प्रीमियर पर मूवी देख रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। कबीर सिंह वन ऑफ द फाइनेस्ट एक बेहतरीन मूवी बन चुकी है। 2019 में रिलीज हुआ था इस मूवी को एक रोमांटिक मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 379 करोड़ की कलेक्शन कर ली थी। एक बेहतरीन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कर लिया जो कि काफ़ी सारे लोग इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड रहते थे। पिछले टाइम बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज डिजिटल प्रीमियर पर भी देखने को मिला था। लोगों को काफ़ी पॉपुलर मूवी के बारे में चर्चे हो रहे थे और लोगों के पास अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा प्यारा और एक्साइटिंग रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद था। तेलुगु इंडस्ट्री के डायरेक्टर संदीप रेड्डी बागा ने पिछले टाइम बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज़ को लेकर आ चुकी है जो कि ये मूवी आप सभी को ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी ऑफिशियली आप सभी को नेटफ्लिक्स पर देखने को जाएगा। नेटफ्लिक्स प्रीमियर कबीर सिंह एक बेहतरीन रोमांटिक मूवी है जिसके वजह से शाहिद कपूर के करियर में इतना ज़्यादा चेंजेस आया, साथ ही साथ इसके वजह से KR आडवाणी के करियर में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया था जो कि इस मूवी के रीज़न से ही इन दोनों के करियर में इतने ज़्यादा चेंजेस आया। एक पॉपुलर मूवी बना था, लो बजट मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया था। आप लोगों में से कनकन इस तरह के जॉनर की मूवीज़ फ़ैन हो, कबीर सिंह फुल HD पर देखना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। एक बेहतरीन मूवी अर्जुन रेड्डी का ऑफिशियली रीमेक मूवी होने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने इतनी बढ़िया कमाई कर ली और इतने तेज़ी से वायरल हुआ था ये मूवी और संदीप रेड्डी बागा की डायरेक्टर बनी हुई इस मूवी ने जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बहुत ही तगड़े कमाई कर ली थी। और इस टाइम एनिमल मूवी जो कि संदीप रेड्डी बागा की डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी एनिमल जिसने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया है। आप लोगों में से कनकन इस जॉनर की मूवीज़ के फैन हो, इस तरह के मूवी हिंदी में देखना पसंद करती हो तो दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों को संदीप रेड्डी बागा का मूवी पसंद है, उनकी इस तरह के बेहतरीन मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। इन दिनों आप सभी को बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज़ देखने को मिल रही है जो कि पिछले टाइम आप सभी को बेहतरीन मूवीज़ के बारे में अपडेट जानना था और लोगों ने हमें कमेंट करके पूछ रहे थे ये सब मूवी की हिंदी फिल्में के लिए और इन दिनों बेहतरीन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचाने वाली बेहतरीन मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है। मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा, आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ प्रीमियर पर लेके दिखाना चाहता हूं जो कि पिछले टाइम लोगों ने इस तरह के जॉनर की मूवीज़ को देखना पसंद कर रहे थे और लोगों ने हमें कमेंट करके बताया था कबीर सिंह की फुल HD प्रीमियर कैसे यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा वो जानने के लिए जो कि शाहिद कपूर सर ने पिछले टाइम बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ के अंदर काम कर चुके हैं। इसमें रोमांटिक एक्शन मूवी कबीर सिंह जो एक रीमेक मूवी होने के बाद भी इनकी इतनी पॉपुलरिटी रही। आप लोगों में से कनकन इस मूवी के फ़ैन हो और आप सभी को बता दें ब्लडी डैडी हाल ही में रिलीज हुई शाहिद कपूर की लीड कास्ट में बनी हुई मूवी जो आप सभी को ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। ये मूवी भी आप सभी को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर रिलीज़ हुई ब्लडी डैडी भी वन ऑफ द फाइनेस्ट बेहतरीन मूवी बन चुकी है। आप लोगों में से कनकन इन जॉनर की मूवीज़ के फ़ैन हो, इस तरह के मूवीज़ आप लोगों ने देखना पसंद करते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों को कबीर सिंह जैसी रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद था और पिछले टाइम काफ़ी सारे लोग को आसानी से इन जॉनर की बेहतरीन मूवीज़ देखने को मिल रही थी। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ और काफ़ी अच्छी खासी मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ को देखना पसंद करते हो कबीर सिंह जैसी एक रोमांटिक बेहतरीन मूवी जो तेलुगु इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं जो कि संदीप रेड्डी बागा ने इस टाइम पर प्रीमियर किया है जो आप सबने अभी थिएटर पर जाकर देख सकते हो। एनिमल मूवी रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना के लीड कास्ट में बनी हुई मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धांसू कमाई कर रही है और लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है ये मूवी और लोग इन दिनों इस मूवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं और लोगों ने इस जॉनर की मूवीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। आप लोगों में से कनकन संदीप रेड्डी बागा के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवीज़ देखना पसंद करती हो
और शाहिद कपूर के फैन हूँ। ब्लडी डैडी, जबी मेट, जर्सी जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज रहने के बाद इनकी 2023 में इस मूवी आया है। अपकमिंग डेज में कौन सी मूवी आएगा, कौन से जॉनर की मूवी उनको देखने को मिल जाएगा, ये बात तो आप सभी को रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा। अभी हम आप सभी को कुछ कह नहीं सकते, मूवी के बारे में काफ़ी दिनों से चर्चे हो रहे थे और लोगों ने इस मूवी को फुल HD प्रीमियर पर देखना चाहते थे, जिसके रीज़न से आज की इस वीडियो में आप सभी को मूवी के YouTube प्रीमियर के बारे में चर्चे दे रहे हैं, जो कि ये मूवी आप लोगों को YouTube पर कुछ टाइम पहले देखने को मिला था, पर दोस्तों कुछ टेक्निकल रीजंस के वजह से मूवी को रिमूव कर दिया गया, जो ऑफिशियली आप सभी को Netflix पर देखने को मिल जाएगा। Netflix प्रीमियर कबीर सिंह, जो आप सभी का एनिमल मूवी भी आप सभी को Netflix पर ही देखने को मिल सकता है। इतनी बढ़िया और बेहतरीन मूवीज आप सभी को देखने को मिल रही है Netflix प्रीमियर और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज के साथ आप सभी को देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिए और अपकमिंग डेज में कौन सी जॉनर की मूवी देखना पसंद करती हो, किस तरह के किरदार के लिए ज़रा एक्साइटेड रहती हो, आप हमें कमेंट करिएगा। उनकी रीमेक मूवी जर्सी एक फ्लॉप मूवी रही थी, संदीप रेड्डी भाकर की डायरेक्टर पर बनी हुई मूवीज आप लोगों को देखना पसंद है। तो दोस्तों इस टाइम आप सभी को मैं और कुछ नई मूवी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों एनिमल मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा रहा है, जिसकी सबसे पहले आप लोगों ने उसी मूवी को थिएटर जाकर देखी है। इसके बाद ही आप सभी को अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा प्यार और एक्साइटिंग मूवीज देखने को मिल जाएगा। इन दिनों आप सभी को शाहिद कपूर सर की बेहतरीन मूवी प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा और संदीप रेड्डी के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवीज़ में आप सभी को महानती, इस्प्रीत, अर्जुन रेड्डी, आदित्य वर्मा जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे, और इन दिनों लोगों के पास काफ़ी अच्छा खासा मूवी देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और #, कबीर सिंह फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। अपकमिंग डेज में आप सभी को और भी ज़्यादा प्यारा, एक्साइटिंग, बेहतरीन मूवीज़ आप सभी के पास हम लेकर आएंगे, और आप सभी को इन जॉनर की मूवी ज़्यादा पसंद है और इस तरह के मूवी की प्रीमियर के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहती हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। अपकमिंग डेज में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा प्यारा, एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। कियारा आडवाणी की करियर पर काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ आ गई थी, जिसमें से ये एक मूवीज़ ने उनके करियर को इतना ज़्यादा चेंजेस किया और लाइफ टाइम चेंजेस मूवी बनी, जिसके रीज़न से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने धूम मचा दिया था। आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और अपकमिंग डेज में आप सभी को इन जॉनर की मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे, आप हमें बताइएगा। कबीर सिंह जैसी बेहतरीन मूवी आप सभी को पसंद है, तो दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। संदीप रेड्डी भाकर के डायरेक्टर बनी हुई मूवी एनिमल, जो थिएटर पर हल्का पिट रही है, उस मूवी को सबसे पहले आप लोगों ने थिएटर पर जाकर देखिए। उसके तुरंत बाद ही आप सभी को हम अपकमिंग नई डेज की मूवीज़ प्रीमियर में लेकर आएंगे और वो सब मूवी के बारे में आप सभी को हम अपडेट भी देने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #, कबीर सिंह फुल मूवी लेके कमेंट करिए और बताइए कि दोस्तों अपकमिंग डेज में आप सभी को और भी ज़्यादा एक्साइटिंग पैरा मूवी में कौन सी मूवी देखना पसंद है और कौन सी मूवी के किरदार के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी और बेहतरीन मूवी प्रीमियर करके भी दिखाएंगे, और इन दिनों आप सभी को कबीर सिंह जैसी बेहतरीन मूवीज़ देखना है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ढांसू कमाई करने वाली मूवीज़ के फ़ैन हो, तो दोस्तों आप लोगों ने हमारे स्पीड को लाइक करिएगा। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ कियारा आडवाणी इस टाइम बॉलीवुड की एक पॉपुलर बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड की एक पॉपुलर एक्ट्रेस बन चुकी है, जिनकी मूवीज़ को लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दे रहे और पसंद कर रहे हैं, जिनकी पिछले टाइम रिलीज हुई काफ़ी सारी मूवीज़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर रही थी और लोगों को वो सब मूवी भी काफ़ी अच्छा लगा था। और मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा इन दिनों इस तरह के मूवीज़ फिल्में के लिए और काफ़ी सारी सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ के लिए आप सभी को मैं भी रिकमेंड करूंगा। और इस तरह के बेहतरीन मूवीज़ के साथ इस टाइम कबीर सिंह की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी बेहतरीन कमाई करने के सबसे बड़े रीजंस की कियारा आडवाणी और शाहिद कपूर की एक्टिंग करियर, उसके साथ साथ संदीप रेड्डी भाकर ने जिस तरह से मूवी के डायरेक्टर के अंदर काम किए और जिन्होंने इतनी पॉपुलर मूवी को डायरेक्ट किया, तीनों ही मूवी आप लोगों ने देख सकते हो संदीप रेड्डी भाकर के करियर के अंदर, जो काफ़ी पॉपुलर रह चुके हैं।
तो दोस्तों स्पीड ए को लाइक करिए और संदीप रेड्डी बैगा की रिसेंटली रिलीज हुई मूवी आप लोगों ने एनिमल फुल एचडी पर देखी है और नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेना रिकमेंड करते हैं, जो कि एनिमल मूवी भी फुल एचडी पर आप सभी को उधर ही देखने को मिल जाएगा। शाहिद कपूर सर की साल 2019 की रोमांटिक एक्शन मूवी कबीर सिंह के लिए इस वीडियो के अंदर आए हो, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2019 की रोमांटिक एक्शन मूवी कबीर सिंह की हिंदी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन कबीर सिंह फुल एचडी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। आईएमडीबी की तरफ से 7/10 की रेटिंग मिली हुई वन ऑफ द फाइनेस्ट बेहतरीन मूवी कबीर सिंह आप सभी को फुल एचडी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिएगा। आप सभी को बता दें कबीर सिंह के अंदर लीड कास्ट में आप सभी को शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, निकी दादा, तीन अश्विन जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। आप सभी को बता दें कि ये मूवी संदीप रेड्डी बागा ने डायरेक्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, संदीप रेड्डी बागा जिन्होंने हाल ही में रिलीज हुई मूवी एनिमल को ही डायरेक्ट किया था, जो कि इतने बड़े इतने पॉपुलर डायरेक्टर जिन्होंने बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज़ को डायरेक्ट कर रहे हैं और सुपरहिट मूवीज़ आप सभी के पास लेकर आ रहे हैं। बेहतरीन मूवीज़ के डायरेक्टर संदीप रेड्डी बागा ने अपकमिंग डेज में इस मूवी के सीक्वल को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप लोगों में से कनकन संदीप रेड्डी बागा की हाल ही में रिलीज हुई मूवी एनिमल को फुल एचडी पर देख चुकी है या फिर नहीं, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके बताइएगा। और अपकमिंग डेज में आप सभी को संदीप रेड्डी बागा की अपकमिंग मूवी सीक्वल के बारे में आप सभी को जानकारी तो करवाएंगे। उसके अलावा आप सभी को इन दिनों बेहतरीन बॉलीवुड की मूवीज देखने को मिल रही है, आप लोगों को इस तरीके की फुल एचडी प्रीमियर पर मूवी देख रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। कबीर सिंह वन ऑफ द फाइनेस्ट एक बेहतरीन मूवी बन चुकी है, 2019 में रिलीज हुआ था इस मूवी को एक रोमांटिक मूवी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 379 करोड़ की कलेक्शन कर ली थी। एक बेहतरीन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कर लिया, जो कि काफ़ी सारे लोग इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड रहते थे। फर्स्टली टाइम बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज़ डिजिटल प्रीमियर पर भी देखने को मिला था, लोगों को काफ़ी पॉपुलर मूवी के बारे में चर्चे हो रहे थे और लोगों के पास अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद था। तेलुगु इंडस्ट्री के डायरेक्टर संदीप रेड्डी बागा ने फर्स्टली टाइम बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज़ को लेकर आ चुकी है, जो कि ये मूवी आप सभी को ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी ऑफिशियली आप सभी को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स प्रीमियर कबीर सिंह एक बेहतरीन रोमांटिक मूवी है, जिसके वजह से शाहिद कपूर की करियर में इतना ज़्यादा चेंजेस आया, साथ ही साथ इसके वजह से कियारा आडवाणी की करियर में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया था, जो कि इस मूवी के रीज़न से ही इन दोनों की करियर में इतने ज़्यादा चेंजेस आया। एक पॉपुलर मूवी बना था, लो बजट मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया था। आप लोगों में से कनकन इस तरह के जॉनर की मूवीज़ फ़ैन हो, कबीर सिंह फुल एचडी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। एक बेहतरीन मूवी अर्जुन रेड्डी का ऑफिशियली रीमेक मूवी होने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने इतनी बढ़िया कमाई कर ली और इतने तेज़ी से वायरल हुआ था ये मूवी, और संदीप रेड्डी बागा की डायरेक्टर बनी हुई इस मूवी ने जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बहुत ही तगड़े कमाई कर ली थी। और इस टाइम एनिमल मूवी जो कि संदीप रेड्डी बागा की डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी एनिमल, जिसने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया है। आप लोगों में से कनकन इस जॉनर की मूवीज़ के फैन हो, इस तरह के मूवी हिंदी में देखना पसंद करते हो तो दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों को संदीप रेड्डी बागा का मूवी पसंद है, उनकी इस तरह के बेहतरीन मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। इन दिनों आप सभी को बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज़ देखने को मिल रही है, जो कि पिछले टाइम आप सभी को बेहतरीन मूवीज़ के बारे में अपडेट जानना था और लोगों ने हमें कमेंट करके पूछ रहे थे ये सब मूवी की हिंदी फिल्में के लिए। और इन दिनों बेहतरीन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचाने वाली बेहतरीन मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है। मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा, आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ प्रीमियर पर लेके दिखाना चाहता हूं, जो कि पिछले टाइम लोगों ने इस तरह के जॉनर की मूवीज़ को देखना पसंद कर रहे थे और लोगों ने हमें कमेंट करके बताया था कबीर सिंह की फुल एचडी प्रीमियर कैसे यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा वो जानने के लिए, जो कि शाहिद कपूर सर ने पिछले टाइम बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ के अंदर काम कर चुके हैं। इसमें रोमांटिक एक्शन मूवी कबीर सिंह जो एक
रीमेक मूवी होने के बाद भी इनकी इतनी पॉपुलर रही, पॉपुलरिटी रही। आप लोगों में से कन कन इस मूवी के फ़ैन हो, और आप सभी को बता दें ब्लडी डैडी हाल ही में रिलीज़ हुई शाहिद कपूर की लीड कास्ट में बनी हुई मूवी, जो आप सभी को ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। ये मूवी भी आप सभी को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर रिलीज़ हुई ब्लडी डैडी भी वन ऑफ द फाइनेस्ट बेहतरीन मूवी बन चुकी है। आप लोगों में से कन कन इन जॉनरा की मूवीज़ के फ़ैन हो, इस तरह की मूवीज़ आप लोगों ने देखना पसंद करते हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों को कबीर सिंह जैसी रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद था, और पिछले टाइम काफ़ी सारे लोग को आसानी से इन जॉनरा की बेहतरीन मूवीज़ देखने को मिल रही थी। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ और काफ़ी अच्छी खासी मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, कबीर सिंह जैसी एक रोमांटिक बेहतरीन मूवी जो तेलुगु इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जो कि संदीप रेड्डी भागा ने इस टाइम पर प्रीमियर किया है, जो आप सबने अभी थिएटर पर जाकर देख सकते हो। एनिमल मूवी रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना के लीड कास्ट में बनी हुई मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ढांसू कमाई कर रही है, और लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है ये मूवी, और लोग इन दिनों इस मूवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं, और लोगों ने इस जॉनर की मूवीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। आप लोगों में से कन कन संदीप रेड्डी भागा के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवीज़ देखना पसंद करती हो, और शाहिद कपूर के फ़ैन हूँ, ब्लडी डैडी, जबी मेट, जर्सी जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ जाने के बाद इनकी 2023 में इस मूवी आया है, और कमिंग डेज में कौन सी मूवी आएगा, कौन से जॉनर की मूवी उनको देखने को मिल जाएगा, ये बात तो आप सभी को रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा। अभी हम आप सभी को कुछ कह नहीं सकते, मूवी के बारे में काफ़ी दिनों से चर्चे हो रहे थे, और लोगों ने इस मूवी को फुल HD प्रीमियर पर देखना चाहते थे, जिसके रीज़न से आज की इस वीडियो में आप सभी को मूवी के यूट्यूब प्रीमियर के बारे में चर्चा दे रहे हैं, जो कि ये मूवी आप लोगों को YouTube पर कुछ टाइम पहले देखने को मिला था, पर दोस्तों कुछ टेक्निकल रीजंस के वजह से मूवी को रिमूव कर दिया गया, जो ऑफिशियली आप सभी को Netflix पर देखने को मिल जाएगा। Netflix प्रीमियर कबीर सिंह जो आप सभी का एनिमल मूवी भी आप सभी को Netflix पर ही देखने को मिल सकता है। इतनी बढ़िया और बेहतरीन मूवीज़ आप सभी को देखने को मिल रही है Netflix प्रीमियर, और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ आप सभी को देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिए, और अपकमिंग डेज में कौन सी जॉनर की मूवी देखना पसंद करती हो, किस तरह के किरदार के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहती हो, आप हमें कमेंट करिएगा। उनकी रीमेक मूवी जर्सी एक फ्लॉप मूवी रही थी, संदीप रेड्डी भाका के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवीज़ आप लोगों को देखना पसंद है। तो दोस्तों इस टाइम आप सभी को मैं और कुछ नई मूवी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों एनिमल मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा रहा है, जिसकी सबसे पहले आप लोगों ने उसी मूवी को थिएटर जाकर देखी है, इसके बाद ही आप सभी को अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा प्यारा और एक्साइटिंग मूवीज देखने को मिल जाएगा। इन दिनों आप सभी को शाहिद कपूर सर की बेहतरीन मूवी प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा, और संदीप रेड्डी के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवीज़ में आप सभी को महानती, स्प्रीत, अर्जुन रेड्डी, आदित्य वर्मा जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे, और इन दिनों लोगों के पास काफ़ी अच्छा खासा मूवी देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, और #कबीर सिंह फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। अपकमिंग डेज में आप सभी को और भी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग बेहतरीन मूवीज़ आप सभी के पास हम लेकर आएंगे, और आप सभी को इन जॉनर की मूवी ज़्यादा पसंद है और इस तरह के मूवी की प्रीमियर के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहती हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। अपकमिंग डेज में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। कियारा आडवाणी की करियर पर काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ आ गई थी, जिसमें से ये एक मूवीज़ ने उनकी करियर को इतना ज़्यादा चेंजेस किया, और लाइफ टाइम चेंजेस मूवी बनी, जिसके रीज़न से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने धूम मचा दिया था। आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, और अपकमिंग डेज में आप सभी को इन जॉनर की मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे आप हमें बताइएगा। कबीर सिंह जैसी बेहतरीन मूवी आप सभी को पसंद है, तो दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। संदीप रेड्डी भाका के डायरेक्टर बनी हुई मूवी एनिमल जो थिएटर पर हल्का पिट रही है, उस मूवी को सबसे पहले आप लोगों ने थिएटर पर जाकर देखिए, उसके तुरंत बाद ही आप सभी को हम अपकमिंग नई डेज की मूवीज़ प्रीमियर में लेकर आएंगे, और वो सब मूवी के बारे में आप सभी को हम अपडेट भी देने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #कबीर सिंह फुल मूवी लेके कमेंट करिए, और बताइए कि दोस्तों अपकमिंग डेज में आप सभी को और भी ज़्यादा एक्साइटिंग
पैरा मूवी में कौन सी मूवी देखना पसंद है और कौन सी मूवी के किरदार के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी और बेहतरीन मूवी प्रीमियर करके भी दिखाएंगे। और इन दिनों आप सभी को कबीर सिंह जैसी बेहतरीन मूवीज़ देखना है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ढांसू कमाई करने वाली मूवीज़ के फ़ैन हो, तो दोस्तों आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ किया रेडवानी इस टाइम बॉलीवुड की एक पॉपुलर बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड की एक पॉपुलर एक्ट्रेस बन चुकी है जिनकी मूवीज़ को लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, जिनकी पिछले टाइम रिलीज़ हुई काफ़ी सारी मूवीज़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर रही थी और लोगों को वो सब मूवी भी काफ़ी अच्छा लगा था। और मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा इन दिनों इस तरह के मूवीज़ फिल्म के लिए और काफ़ी सारी सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ के लिए आप सभी को मैं भी रिकमेंड करूँगा। और इस तरह के बेहतरीन मूवीज़ के साथ इस टाइम कबीर सिंह की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी बेहतरीन कमाई करने के सबसे बड़े रीजंस की कियारा आडवाणी और शाहिद कपूर की एक्टिंग करियर, उसके साथ साथ संदीप रेड्डी भागा ने जिस तरह से मूवी के डायरेक्टर के अंदर काम किए और जिन्होंने इतनी पॉपुलर मूवी को डायरेक्ट किया, तीनों ही मूवी आप लोगों ने देख सकते हो संदीप रेड्डी भागा के करियर के अंदर जो काफ़ी पॉपुलर रह चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए और संदीप रेड्डी भागा की रिसेंटली रिलीज हुई मूवी आप लोगों ने एनिमल फुल एचडी पर देखी है और नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेना रिकमेंड करते हैं, जो कि एनिमल मूवी भी फुल एचडी पर आप सभी को उधर ही देखने को मिल जाएगा। शाहिद कपूर सर की साल 2019 की रोमांटिक एक्शन मूवी कबीर सिंह के लिए इस वीडियो के अंदर आए हो, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2019 की रोमांटिक एक्शन मूवी कबीर सिंह की हिंदी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन कबीर सिंह फुल एचडी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। आईएमडीबी की तरफ से 7/10 की रेटिंग मिली हुई वन ऑफ द फाइनेस्ट एक बेहतरीन मूवी कबीर सिंह आप सभी को फुल एचडी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिएगा। आप सभी को बता दें कबीर सिंह के अंदर लीड कास्ट में आप सभी को शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, निकिता दत्त, टीना सिंह जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। आप सभी को बता दें कि ये मूवी संदीप रेड्डी भागा ने डायरेक्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, संदीप रेड्डी भागा जिन्होंने हाल ही में रिलीज हुई मूवी एनिमल को ही डायरेक्ट किया था, जो कि इतने बड़े इतने पॉपुलर डायरेक्टर जिन्होंने बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज़ को डायरेक्ट कर रहे और सुपरहिट मूवीज़ आप सभी के पास लेकर आ रहे बेहतरीन मूवीज़ के डायरेक्टर संदीप रेड्डी भागा ने अपकमिंग डेज में इस मूवी के सीक्वल को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप लोगों में से कनकन संदीप रेड्डी भागा की हाल ही में रिलीज़ हुई मूवी एनिमल को फुल एचडी पर देख चुकी है या फिर नहीं, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके बताइएगा। और अपकमिंग डेज में आप सभी को संदीप रेड्डी भागा की अपकमिंग मूवी सीक्वल के बारे में आप सभी को जानकारी तो करवाएंगे। उसके अलावा आप सभी को इन दिनों बेहतरीन बॉलीवुड की मूवीज़ देखने को मिल रही है, आप लोगों को इस तरह के फुल एचडी प्रीमियर पर मूवी देख रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। कबीर सिंह वन ऑफ द फाइनेस्ट एक बेहतरीन मूवी बन चुकी है, 2019 में रिलीज हुआ था इस मूवी को एक रोमांटिक मूवी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 379 करोड़ की कलेक्शन कर ली थी। एक बेहतरीन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कर लिया, जो कि काफ़ी सारे लोग इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड रहते थे। पिछले टाइम बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज़ डिजिटल प्रीमियर पर भी देखने को मिला था, लोगों को काफ़ी पॉपुलर मूवी के बारे में चर्चे हो रहे थे और लोगों के पास अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद था। तेलुगु इंडस्ट्री के डायरेक्टर संदीप रेड्डी भागा ने पिछले टाइम बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज़ को लेकर आ चुकी है, जो कि ये मूवी आप सभी को ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी ऑफिशियली आप सभी को नेटफ्लिक्स पर देखने को जाएगा। नेटफ्लिक्स प्रीमियर कबीर सिंह एक बेहतरीन रोमांटिक मूवी है, जिसके वजह से शाहिद कपूर की करियर में इतना ज़्यादा चेंजेस आया, साथ ही साथ इसके वजह से कियारा आडवाणी के करियर में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया था, जो कि इस मूवी के रीज़न से ही इन दोनों की करियर में इतने ज़्यादा चेंजेस आया। एक पॉपुलर मूवी बना था, लो बजट मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया था। आप लोगों में से कनकन इस तरह के जॉनर की मूवीज़ फ़ैन हो, कबीर सिंह फुल एचडी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। एक बेहतरीन मूवी अर्जुन रेड्डी का ऑफिशियली रीमेक मूवी होने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने इतनी बढ़िया कमाई कर ली और इतने तेज़ी से वायरल हुआ था ये मूवी, और संदीप रेड्डी भागा की डायरेक्टर बनी हुई इस मूवी ने जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बहुत ही तगड़े कमाई कर ली थी। और इस टाइम एनिमल मूवी जो कि
संजू रेड्डी वागे की डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी एनिमल, जिसने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया है। आप लोगों में से कनकन इस जॉनर की मूवीज के फैन हो, इस तरह के मूवी हिंदी में देखना पसंद करती हो, तो दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों को संदीप रेड्डी वागा का मूवी पसंद है, उनकी इस तरह के बेहतरीन मूवीज देखना पसंद करते हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। इन दिनों आप सभी को बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज देखने को मिल रही है, जो कि पिछली टाइम आप सभी को बेहतरीन मूवीज के बारे में अपडेट जानना था और लोगों ने हमें कमेंट करके पूछ रहे थे ये सब मूवी की हिंदी फिल्में के लिए, और इन दिनों बेहतरीन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचाने वाली बेहतरीन मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है। मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा, आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज प्रीमियर पर लेके दिखाना चाहता हूँ, जो कि पिछले टाइम लोगों ने इस तरह के जॉनर की मूवीज को देखना पसंद कर रहे थे और लोगों ने हमें कमेंट करके बताया था कबीर सिंह की फुल एचडी प्रीमियर कैसे यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा वो जानने के लिए, जो कि शाहिद कपूर सर ने पिछले टाइम बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज के अंदर काम कर चुके हैं। इसमें रोमांटिक एक्शन मूवी कबीर सिंह जो एक रीमेक मूवी होने के बाद भी इनकी इतनी पॉपुलर रही पॉपुलरिटी रही, आप लोगों में से कनकन इस मूवी के फैन हो। और आप सभी को बता दें ब्लडी डैडी हाल ही में रिलीज हुई शाहिद कपूर के लीड कास्ट में बनी हुई मूवी, जो आप सभी को ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। ये मूवी भी आप सभी को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर रिलीज हुई ब्लडी डैडी भी वन ऑफ द फाइनेस्ट बेहतरीन मूवी बन चुकी है। आप लोगों में से कनकन इन जॉनर की मूवीज के फैन हो, इस तरह के मूवीज आप लोगों ने देखना पसंद करते हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों को कबीर सिंह जैसी रोमांटिक मूवीज देखना पसंद था, और पिछले टाइम काफी सारे लोग को आसानी से इन जॉनर की बेहतरीन मूवीज देखने को मिल रही थी, बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज, और काफ़ी अच्छी खासी मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, कबीर सिंह जैसी एक रोमांटिक बेहतरीन मूवी जो तेलुगु इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जो कि संदीप रेड्डी वागा ने इस टाइम पर प्रीमियर किया है, जो आप सबने अभी थिएटर पर जाकर देख सकते हो। एनिमल मूवी रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना के लीड कास्ट में बनी हुई मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धांसू कमाई कर रही है और लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है ये मूवी, और लोग इन दिनों इस मूवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं और लोगों ने इस जॉनर की मूवीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। आप लोगों में से कनकन संदीप रेड्डी वागा के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवीज़ देखना पसंद करती हो और शाहिद कपूर के फैन हो, ब्लडी डैडी, जबी मेट, जर्सी जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज रहने के बाद इनकी 2023 में इस मूवी आया है, और कमिंग डेज में कौन सी मूवी आएगा, कौन से जॉनर की मूवी उनको देखने को मिल जाएगा, ये बात तो आप सभी को रिलीज के बाद ही पता चलेगा। अभी हम आप सभी को कुछ कह नहीं सकते, मूवी के बारे में काफ़ी दिनों से चर्चे हो रहे थे और लोगों ने इस मूवी को फुल एचडी प्रीमियर पर देखना चाहते थे, जिसके रीज़न से आज की इस वीडियो में आप सभी को मूवी की यूट्यूब प्रीमियर के बारे में चर्चा दे रहे हैं, जो कि ये मूवी आप लोगों को यूट्यूब पर कुछ टाइम पहले देखने को मिला था, पर दोस्तों कुछ टेक्निकल रीजंस के वजह से मूवी को रिमूव कर दिया गया, जो ऑफिशियली आप सभी को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स प्रीमियर कबीर सिंह जो आप सभी का एनिमल मूवी भी आप सभी को नेटफ्लिक्स पर ही देखने को मिल सकता है। इतनी बढ़िया और बेहतरीन मूवीज आप सभी को देखने को मिल रही है नेटफ्लिक्स प्रीमियर, और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज के साथ आप सभी को देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिए, और अपकमिंग डेज में कौन सी जॉनर की मूवी देखना पसंद करते हो, किस तरह के किरदार के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, आप हमें कमेंट करिएगा। उनकी रीमेक मूवी जर्सी एक फ्लॉप मूवी रही थी, संदीप रेड्डी भाका के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवीज़ आप लोगों को देखना पसंद है, तो दोस्तों इस टाइम आप सभी को मैं और कुछ नई मूवी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों एनिमल मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा रहा है, जिसकी सबसे पहले आप लोगों ने उसी मूवी को थिएटर जाकर देखी है, इसके बाद ही आप सभी को अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा प्यारा और एक्साइटिंग मूवीज देखने को मिल जाएगा। इन दिनों आप सभी को शाहिद कपूर सर की बेहतरीन मूवी प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा, और संदीप रेड्डी के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवीज़ में आप सभी को महानती, स्प्रिट, अर्जुन रेड्डी, आदित्य वर्मा जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे, और इन दिनों लोगों के पास काफ़ी अच्छा खासा मूवी
देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और # काबिर सिंह फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। अपकमिंग डेज में आप सभी को और भी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग बेहतरीन मूवीज़ आप सभी के पास हम लेकर आएंगे और आप सभी को इन जानना की मूवी ज़्यादा पसंद है और इस तरह की मूवी की प्रीमियर के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। अपकमिंग डेज में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। कियारा आडवाणी की करियर पर काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ आ गई थी, जिसमें से ये एक मूवीज़ ने उनकी करियर को इतना ज़्यादा चेंजेस किया और लाइफ टाइम चेंजेस मूवी बनी, जिसके रीज़न से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने धूम मचा दिया था। आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और अपकमिंग डेज में आप सभी को इन जॉनर की मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे आप हमें बताइएगा। कबीर सिंह जैसी बेहतरीन मूवी आप सभी को पसंद है। तो दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। संदीप रेड्डी भाका के डायरेक्टर बनी हुई मूवी एनिमल जो थिएटर पर हल्का पिट रही है, उस मूवी को सबसे पहले आप लोगों ने थिएटर पर जाकर देखिए। उसके तुरंत बाद ही आप सभी को हम अपकमिंग नई डेज की मूवीज़ प्रीमियर में लेकर आएंगे और वो सब मूवी के बारे में आप सभी को हम अपडेट भी देने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर # काबिर सिंह फुल मूवी लेके कमेंट करिए और बताइए कि दोस्तों अपकमिंग डेज में आप सभी को और भी ज़्यादा एक्साइटिंग पैरा मूवी में कौन सी मूवी देखना पसंद है और कौन सी मूवी के किरदार के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी और बेहतरीन मूवी प्रीमियर करके भी दिखाएंगे और इन दिनों आप सभी को कबीर सिंह जैसी बेहतरीन मूवीज़ देखना है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ढांसू कमाई करने वाली मूवीज़ के फ़ैन हो तो दोस्तों आप लोगों ने हमारे स्पीडे को लाइक करिएगा। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ कियारा आडवाणी इस टाइम बॉलीवुड की एक पॉपुलर बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड की एक पॉपुलर एक्ट्रेस बन चुकी है, जिनकी मूवीज़ को लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, जिनकी पिछले टाइम रिलीज़ हुई काफ़ी सारी मूवीज़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर रही थी और लोगों को वो सब मूवी भी काफ़ी अच्छा लगा था। और मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा इन दिनों इस तरह के मूवीज़ प्रीमियर के लिए और काफ़ी सारी सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ के लिए आप सभी को मैं भी रिकमेंड करूँगा और इस तरह के बेहतरीन मूवीज़ के साथ इस टाइम कबीर सिंह की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी बेहतरीन कमाई करने के सबसे बड़े रीजंस की कियारा आडवाणी और शाहिद कपूर की एक्टिंग करियर, उसके साथ साथ संदीप रेड्डी भाका ने जिस तरह से मूवी के डायरेक्टर के अंदर काम किए और जिन्होंने इतनी पॉपुलर मूवी को डायरेक्ट किया, तीनों ही मूवी आप लोगों ने देख सकते हो संदीप रेड्डी भाका के करियर के अंदर जो काफ़ी पॉपुलर रह चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए और संदीप रेड्डी भाका की रिसेंटली रिलीज हुई मूवी आप लोगों ने एनिमल फुल HD पर देखी है और नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेना रिकमेंड करते हैं, जो कि एनिमल मूवी भी फुल HD पर आप सभी को उधर ही देखने को मिल जाएगा। शाहिद कपूर सर की साल 2019 की रोमांटिक एक्शन मूवी कबीर सिंह के लिए इस वीडियो के अंदर आए हो तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2019 की रोमांटिक एक्शन मूवी कबीर सिंह की हिंदी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन कबीर सिंह फुल HD पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। IMDb की तरफ से 7/10 की रेटिंग मिली हुई वन ऑफ द फाइनेस्ट एक बेहतरीन मूवी कबीर सिंह आप सभी को फुल HD पर देखना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिएगा। आप सभी को बता दें कबीर सिंह के अंदर लीड कास्ट में आप सभी को शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, निकिता दत्त, टीना सिंह जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। आप सभी को बता दें कि ये मूवी संदीप रेड्डी भाका ने डायरेक्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, संदीप रेड्डी भाका जिन्होंने हाल ही में रिलीज हुई मूवी एनिमल को ही डायरेक्ट किया था, जो कि इतने बड़े इतने पॉपुलर डायरेक्टर जिन्होंने बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ को डायरेक्ट कर रहे और सुपर हिट मूवीज़ आप सभी के पास लेकर आ रहे बेहतरीन मूवीज़ के डायरेक्टर संदीप रेड्डी भाका ने अपकमिंग डेज में इस मूवी के सीक्वल को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप लोगों में से कनकन संदीप रेड्डी भाका की हाल ही में रिलीज हुई मूवी एनिमल को फुल HD पर देख चुकी है या फिर नहीं, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके बताइएगा और अपकमिंग डेज में आप सभी को संदीप रेड्डी भाका की अपकमिंग मूवी सीक्वल के बारे में आप सभी को जानकारी तो करवाएंगे। उसके अलावा आप सभी को इन दिनों बेहतरीन बॉलीवुड की मूवीज़ देखने को मिल रही है, आप लोगों को इस तरीके फुल HD प्रीमियर पर मूवी देख रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। कबीर सिंह वन ऑफ द फाइनेस्ट एक बेहतरीन मूवी बन चुकी है, 2019 में रिलीज हुआ था इस मूवी को एक रोमांटिक मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 379 करोड़ की कलेक्शन कर ली थी। एक बेहतरीन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कर ली है, जो कि
काफ़ी सारे लोग इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड रहते थे। फेस्टिव टाइम बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज डिजिटल प्रीमियर पर भी देखने को मिला था। लोगों को काफ़ी पॉपुलर मूवी के बारे में चर्चे हो रहे थे और लोगों के पास अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा प्यारा और एक्साइटिंग रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद था। तेलुगु इंडस्ट्री के डायरेक्टर संदीप रेड्डी बागा ने पिछली टाइम बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ को लेकर आ चुकी है, जो कि ये मूवी आप सभी को ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी ऑफिशियली आप सभी को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स प्रीमियर कबीर सिंह एक बेहतरीन रोमांटिक मूवी है, जिसके वजह से शाहिद कपूर की करियर में इतना ज़्यादा चेंजेस आया, साथ ही साथ इसके वजह से कियारा आडवाणी की करियर में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया था, जो कि इस मूवी के रीज़न से ही इन दोनों की करियर में इतने ज़्यादा चेंजेस आया। एक पॉपुलर मूवी बना था, लो बजट मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया था। आप लोगों में से कनकन इस तरह के जॉनर की मूवीज़ फ़ैन हो, कबीर सिंह फुल एचडी पर देखना चाहते हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। एक बेहतरीन मूवी अर्जुन रेड्डी का ऑफिशियली रीमेक मूवी होने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने इतनी बढ़िया कमाई कर ली और इतने तेज़ी से वायरल हुआ था ये मूवी। और संदीप रेड्डी बागा की डायरेक्टर बनी हुई इस मूवी ने जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बहुत ही तगड़े कमाई कर ली थी। और इस टाइम एनिमल मूवी जो कि संदीप रेड्डी बागा की डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी एनिमल, जिसने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया है। आप लोगों में से कनकन इस जॉनर की मूवीज़ के फैन हो, इस तरह के मूवी हिंदी में देखना पसंद करती हो, तो दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों को संदीप रेड्डी बागा का मूवी पसंद है, उनकी इस तरह के बेहतरीन मूवीज़ देखना पसंद करते हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। इन दिनों आप सभी को बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ देखने को मिल रही है, जो कि पिछली टाइम आप सभी को बेहतरीन मूवीज़ के बारे में अपडेट जानना था और लोगों ने हमें कमेंट करके पूछ रहे थे ये सब मूवी की हिंदी फिल्में के लिए। और इन दिनों बेहतरीन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचाने वाली बेहतरीन मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है। मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा, आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ प्रीमियर पर लेके दिखाना चाहता हूं, जो कि पिछले टाइम लोगों ने इस तरह के जॉनर की मूवीज़ को देखना पसंद कर रहे थे। और लोगों ने हमें कमेंट करके बताया था कबीर सिंह की फुल एचडी प्रीमियर कैसे यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा, वो जानने के लिए जो कि शाहिद कपूर सर ने पिछले टाइम बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ के अंदर काम कर चुके हैं। इसमें रोमांटिक एक्शन मूवी कबीर सिंह जो एक रीमेक मूवी होने के बाद भी इनकी इतनी पॉपुलर रही, पॉपुलरिटी रही। आप लोगों में से कनकन इस मूवी के फ़ैन हो, और आप सभी को बता दें ब्लडी डैडी हाल ही में रिलीज़ हुई शाहिद कपूर के लीड कास्ट में बनी हुई मूवी, जो आप सभी को ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। ये मूवी भी आप सभी को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर रिलीज़ हुई ब्लडी डैडी भी वन ऑफ द फाइनेस्ट बेहतरीन मूवी बन चुकी है। आप लोगों में से कनकन इन जॉनर की मूवीज़ के फ़ैन हो, इस तरह के मूवीज़ आप लोगों ने देखना पसंद करते हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों को कबीर सिंह जैसी रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद था। और पिछले टाइम काफ़ी सारे लोग को आसानी से इन जॉनर की बेहतरीन मूवीज़ देखने को मिल रही थी, बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़, और काफ़ी अच्छी खासी मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ को देखना पसंद करते हो कबीर सिंह जैसी एक रोमांटिक बेहतरीन मूवी जो तेलुगु इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जो कि संदीप रेड्डी बागा ने इस टाइम पर प्रीमियर किया है, जो आप सबने अभी थिएटर पर जाकर देख सकते हो। एनिमल मूवी रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना के लीड कास्ट में बनी हुई मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ढांसू कमाई कर रही है और लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है ये मूवी। और लोग इन दिनों इस मूवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं और लोगों ने इस जॉनर की मूवीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। आप लोगों में से कनकन संदीप रेड्डी बागा के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवीज़ देखना पसंद करती हो और शाहिद कपूर के फैन हो, ब्लडी डैडी, जबी मेट, जर्सी जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ रहने के बाद इनकी 2023 में इस मूवी आया है। और कमिंग डेज में कौन सी मूवी आएगा, कौन से जॉनर की मूवी उनको देखने को मिल जाएगा, ये बात तो आप सभी को रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा। अभी हम आप सभी को कुछ कह नहीं सकते, मूवी के बारे में काफ़ी दिनों से चर्चे हो रहे थे और लोगों ने इस मूवी को फुल एचडी प्रीमियर पर देखना चाहते थे, जिसके रीज़न से आज की इस वीडियो में आप सभी को मूवी की यूट्यूब प्रीमियर के बारे में चर्चे दे रहे हैं, जो कि ये मूवी आप लोगों को YouTube पर कुछ टाइम पहले देखने को मिला था, पर दोस्तों कुछ टेक्निकल रीजंस के
वजह से मूवी को रिमूव कर दिया गया, जो ऑफिशियली आप सभी को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स प्रीमियर कबीर सिंह जो आप सभी का एनिमल मूवी भी आप सभी को नेटफ्लिक्स पर ही देखने को मिल सकता है। इतनी बढ़िया और बेहतरीन मूवीज आप सभी को देखने को मिल रही है नेटफ्लिक्स प्रीमियर, और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज के साथ आप सभी को देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिए, और अपकमिंग डेज में कौन सी जॉनर की मूवी देखना पसंद करते हो, किस तरह के किरदार के लिए ज़रा एक्साइटेड रहते हो, आप हमें कमेंट करिएगा। उनकी रीमेक मूवी जर्सी एक फ्लॉप मूवी रही थी, संदीप रेड्डी भाका के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवीज आप लोगों को देखना पसंद है। तो दोस्तों इस टाइम आप सभी को मैं और कुछ नई मूवी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों एनिमल मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा रहा है, जिसकी सबसे पहले आप लोगों ने उसी मूवी को थिएटर जाकर देखी है। इसके बाद ही आप सभी को अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा प्यारा और एक्साइटिंग मूवीज देखने को मिल जाएगा। इन दिनों आप सभी को शाहिद कपूर सर की बेहतरीन मूवी प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा, और संदीप रेड्डी के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवीज़ में आप सभी को महानती, स्प्रिट, अर्जुन रेड्डी, आदित्य वर्मा जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे, और इन दिनों लोगों के पास काफ़ी अच्छा खासा मूवी देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, और #कबीर सिंह फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। अपकमिंग डेज में आप सभी को और भी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग बेहतरीन मूवीज़ आप सभी के पास हम लेकर आएंगे, और आप सभी को इन जानर की मूवी ज़्यादा पसंद है और इस तरह की मूवी की प्रीमियर के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। अपकमिंग डेज में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। कियारा आडवाणी की करियर पर काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ आ गई थी, जिसमें से ये एक मूवीज़ ने उनकी करियर को इतना ज़्यादा चेंजेस किया और लाइफ टाइम चेंजेस मूवी बनी, जिसके रीज़न से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने धूम मचा दिया था। आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, और अपकमिंग डेज में आप सभी को इन जॉनर की मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे आप हमें बताइएगा। कबीर सिंह जैसी बेहतरीन मूवी आप सभी को पसंद है, तो दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। संदीप रेड्डी भाका के डायरेक्टर बनी हुई मूवी एनिमल जो थिएटर पर हल्का पिट रही है, उस मूवी को सबसे पहले आप लोगों ने थिएटर पर जाकर देखिए, उसके तुरंत बाद ही आप सभी को हम अपकमिंग नई डेज की मूवीज़ प्रीमियर में लेकर आएंगे, और वो सब मूवी के बारे में आप सभी को हम अपडेट भी देने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #कबीर सिंह फुल मूवी लेके कमेंट करिए, और बताइए कि दोस्तों अपकमिंग डेज में आप सभी को और भी ज़्यादा एक्साइटिंग पैरा मूवी में कौन सी मूवी देखना पसंद है, और कौन सी मूवी के किरदार के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, और आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी और बेहतरीन मूवी प्रीमियर करके भी दिखाएंगे। और इन दिनों आप सभी को कबीर सिंह जैसी बेहतरीन मूवीज़ देखना है, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ढांसू कमाई करने वाली मूवीज़ के फ़ैन हो, तो दोस्तों आप लोगों ने हमारे स्पीड को लाइक करिएगा। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ कियारा आडवाणी इस टाइम बॉलीवुड की एक पॉपुलर बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड की एक पॉपुलर एक्ट्रेस बन चुकी है, जिनकी मूवीज़ को लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, जिनकी पिछले टाइम रिलीज हुई काफ़ी सारी मूवीज़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर रही थी, और लोगों को वो सब मूवी भी काफ़ी अच्छा लगा था। और मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा इन दिनों इस तरह के मूवीज़ प्रीमियर के लिए, और काफ़ी सारी सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ के लिए आप सभी को मैं भी रिकमेंड करूँगा, और इस तरह के बेहतरीन मूवीज़ के साथ इस टाइम कबीर सिंह की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी बेहतरीन कमाई करने के सबसे बड़े रीजन्स की कियारा आडवाणी और शाहिद कपूर की एक्टिंग करियर, उसके साथ साथ संदीप रेड्डी भाका ने जिस तरह से मूवी के डायरेक्टर के अंदर काम किए, और जिन्होंने इतनी पॉपुलर मूवी को डायरेक्ट किया, तीनों ही मूवी आप लोगों ने देख सकते हो संदीप रेड्डी भाका के करियर के अंदर जो काफ़ी पॉपुलर रह चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, और संदीप रेड्डी भाका की रिसेंटली रिलीज हुई मूवी आप लोगों ने एनिमल फुल HD पर देखी है, और नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेना रिकमेंड करते हैं, जो कि एनिमल मूवी भी फुल HD पर आप सभी को उधर ही देखने को मिल जाएगा।
शाहिद कपूर सर की साल 2019 की रोमांटिक एक्शन मूवी कबीर सिंह के लिए इस वीडियो के अंदर आए हो, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2019 की रोमांटिक एक्शन मूवी कबीर सिंह की हिंदी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन कबीर सिंह फुल HD पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। IMDb की तरफ से 7/10 की रेटिंग मिली हुई वन ऑफ द फाइनेस्ट एक बेहतरीन मूवी कबीर सिंह आप सभी को फुल HD पर देखना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिएगा। आप सभी को बता दें कबीर सिंह के अंदर लीड कास्ट में आप सभी को शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, निकिता दत्त, टीना सिंह जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। आप सभी को बता दें कि ये मूवी संदीप रेड्डी वाघा ने डायरेक्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, संदीप रेड्डी वाघा जिन्होंने हाल ही में रिलीज हुई मूवी एनिमल को ही डायरेक्ट किया था, जो कि इतने बड़े इतने पॉपुलर डायरेक्टर जिन्होंने बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज को डायरेक्ट कर रहे और सुपरहिट मूवीज आप सभी के पास लेकर आ रहे बेहतरीन मूवीज के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वाघा ने अपकमिंग डेज में इस मूवी के सीक्वल को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप लोगों में से कनकन संदीप रेड्डी वाघा की हाल ही में रिलीज हुई मूवी एनिमल को फुल HD पर देख चुकी है या फिर नहीं, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके बताइएगा। और अपकमिंग डेज में आप सभी को संदीप रेड्डी वाघा की अपकमिंग मूवी सीक्वल के बारे में आप सभी को जानकारी तो करवाएंगे। उसके अलावा आप सभी को इन दिनों बेहतरीन बॉलीवुड की मूवीज देखने को मिल रही है, आप लोगों को इस तरीके के फुल HD प्रीमियर पर मूवी देख रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। कबीर सिंह वन ऑफ द फाइनेस्ट एक बेहतरीन मूवी बन चुकी है, 2019 में रिलीज हुआ था इस मूवी को एक रोमांटिक मूवी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 379 करोड़ की कलेक्शन कर ली थी। एक बेहतरीन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कर लिया, जो कि काफ़ी सारे लोग इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड रहते थे। पिछले टाइम बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज डिजिटल प्रीमियर पर भी देखने को मिला था, लोगों को काफ़ी पॉपुलर मूवी के बारे में चर्चे हो रहे थे और लोगों के पास अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा प्यारा और एक्साइटिंग रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद था। तेलुगु इंडस्ट्री के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वाघा ने पिछले टाइम बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज़ को लेकर आ चुकी है, जो कि ये मूवी आप सभी को ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी ऑफिशियली आप सभी को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स प्रीमियर कबीर सिंह एक बेहतरीन रोमांटिक मूवी है, जिसके वजह से शाहिद कपूर की करियर में इतना ज़्यादा चेंजेस आया, साथ ही साथ इसके वजह से कियारा आडवाणी के करियर में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया था, जो कि इस मूवी के रीज़न से ही इन दोनों के करियर में इतने ज़्यादा चेंजेस आया। एक पॉपुलर मूवी बना था, लो बजट मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया था। आप लोगों में से कनकन इस तरह के जॉनर की मूवीज फैन हो, कबीर सिंह फुल HD पर देखना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। एक बेहतरीन मूवी अर्जुन रेड्डी का ऑफिशियली रीमेक मूवी होने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने इतनी बढ़िया कमाई कर ली और इतने तेजी से वायरल हुआ था ये मूवी, और संदीप रेड्डी वाघा की डायरेक्टर बनी हुई इस मूवी ने जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बहुत ही तगड़े कमाई कर ली थी। और इस टाइम एनिमल मूवी जो कि संदीप रेड्डी वाघा की डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी एनिमल, जिसने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया है। आप लोगों में से कनकन इस जॉनर की मूवीज़ के फैन हो, इस तरह के मूवी हिंदी में देखना पसंद करती हो तो दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों को संदीप रेड्डी वाघा का मूवी पसंद है, उनकी इस तरह के बेहतरीन मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। इन दिनों आप सभी को बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज़ देखने को मिल रही है, जो कि पिछले टाइम आप सभी को बेहतरीन मूवीज़ के बारे में अपडेट जानना था और लोगों ने हमें कमेंट करके पूछ रहे थे ये सब मूवी की हिंदी फिल्में के लिए, और इन दिनों बेहतरीन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचाने वाली बेहतरीन मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है। मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा, आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ प्रीमियर पर लेके दिखाना चाहता हूँ, जो कि पिछले टाइम लोगों ने इस तरह के जॉनर की मूवीज़ को देखना पसंद कर रहे थे और लोगों ने हमें कमेंट करके बताया था कबीर सिंह की फुल HD प्रीमियर कैसे यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा वो जानने के लिए, जो कि शाहिद कपूर सर ने पिछले टाइम बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ के अंदर काम कर चुके हैं। इसमें रोमांटिक एक्शन मूवी कबीर सिंह जो एक रीमेक मूवी होने के बाद भी इनकी इतनी पॉपुलरिटी रही। आप लोगों में से कनकन इस मूवी के फ़ैन हो, और आप सभी को बता दें ब्लडी डैडी हाल ही में रिलीज हुई शाहिद कपूर की लीड कास्ट में बनी हुई मूवी, जो आप सभी को ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। ये मूवी भी आप सभी को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स प्रीमियर
पर रिलीज हुई ब्लडी डैडी भी वन ऑफ द फाइनेस्ट बेहतरीन मूवी बन चुकी है। आप लोगों में से कनकन इन जॉनरा की मूवीज के फैन हो, इस तरह के मूवीज आप लोगों ने देखना पसंद करते हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों को कबीर सिंह जैसी रोमांटिक मूवीज देखना पसंद था, और उसी टाइम काफी सारे लोग को आसानी से इन जॉनरा की बेहतरीन मूवीज देखने को मिल रही थी। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज और काफ़ी अच्छी खासी मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, कबीर सिंह जैसी एक रोमांटिक बेहतरीन मूवी जो तेलुगु इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जो कि संदीप रेड्डी भागा ने इस टाइम पर प्रीमियर किया है, जो आप सबने अभी थिएटर पर जाकर देख सकते हो। एनिमल मूवी रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना के लीड कास्ट में बनी हुई मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर डांसू कमाई कर रही है और लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है ये मूवी, और लोग इन दिनों इस मूवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं और लोगों ने इस जॉनर की मूवीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। आप लोगों में से कनकन संदीप रेड्डी भागा के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवीज़ देखना पसंद करती हो और शाहिद कपूर के फैन हो, ब्लडी डैडी, जबी मेट, जर्सी जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज रहने के बाद इनकी 2023 में इस मूवी आया है, और अपकमिंग डेज में कौन सी मूवी आएगा, कौन से जॉनर की मूवी उनको देखने को मिल जाएगा, ये बात तो आप सभी को रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा। अभी हम आप सभी को कुछ कह नहीं सकते, मूवी के बारे में काफ़ी दिनों से चर्चे हो रहे थे और लोगों ने इस मूवी को फुल HD प्रीमियर पर देखना चाहते थे, जिसके रीज़न से आज की इस वीडियो में आप सभी को मूवी के यूट्यूब प्रीमियर के बारे में चर्चा दे रहे हैं, जो कि ये मूवी आप लोगों को YouTube पर कुछ टाइम पहले देखने को मिला था, पर दोस्तों कुछ टेक्निकल रीजंस के वजह से मूवी को रिमूव कर दिया गया, जो ऑफिशियली आप सभी को Netflix पर देखने को मिल जाएगा। Netflix प्रीमियर कबीर सिंह जो आप सभी का एनिमल मूवी भी आप सभी को Netflix पर ही देखने को मिल सकता है। इतनी बढ़िया और बेहतरीन मूवीज आप सभी को देखने को मिल रही है Netflix प्रीमियर, और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज के साथ आप सभी को देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिए, और अपकमिंग डेज में कौन सी जॉनर की मूवी देखना पसंद करते हो, किस तरह के किरदार के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, आप हमें कमेंट करिएगा। उनकी रीमेक मूवी जर्सी एक फ्लॉप मूवी रही थी, संदीप रेड्डी भागा के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवीज़ आप लोगों को देखना पसंद है, तो दोस्तों इस टाइम आप सभी को मैं और कुछ नई मूवी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों एनिमल मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा रहा है, जिसकी सबसे पहले आप लोगों ने उसी मूवी को थिएटर जाकर देखी है, इसके बाद ही आप सभी को अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा प्यार और एक्साइटिंग मूवीज देखने को मिल जाएगा। इन दिनों आप सभी को शाहिद कपूर सर की बेहतरीन मूवी प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा, और संदीप रेड्डी के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवीज़ में आप सभी को महानती, स्प्रिद, अर्जुन रेड्डी, आदित्य वर्मा जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे, और इन दिनों लोगों के पास काफ़ी अच्छा खासा मूवी देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, और #कबीर सिंह फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। अपकमिंग डेज में आप सभी को और भी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग बेहतरीन मूवीज़ आप सभी के पास हम लेकर आएंगे, और आप सभी को इन जॉनर की मूवी ज़्यादा पसंद है और इस तरह के मूवी की प्रीमियर के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहती हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। अपकमिंग डेज में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। कियारा आडवाणी की करियर पर काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ आ गई थी, जिसमें से ये एक मूवीज़ ने उनके करियर को इतना ज़्यादा चेंजेस किया और लाइफ टाइम चेंजेस मूवी बनी, जिसके रीज़न से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने धूम मचा दिया था। आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, और अपकमिंग डेज में आप सभी को इन जॉनर की मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे आप हमें बताइएगा। कबीर सिंह जैसी बेहतरीन मूवी आप सभी को पसंद है, तो दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। संदीप रेड्डी भागा के डायरेक्टर बनी हुई मूवी एनिमल जो थिएटर पर हल्का पिट रही है, उस मूवी को सबसे पहले आप लोगों ने थिएटर पर जाकर देखिए, उसके तुरंत बाद ही आप सभी को हम अपकमिंग नई डेज की मूवीज़ प्रीमियर में लेकर आएंगे, और वो सब मूवी के बारे में आप सभी को हम अपडेट भी देने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #कबीर सिंह फुल मूवी लेके कमेंट करिए, और बताइए कि दोस्तों अपकमिंग डेज में आप सभी को और भी ज़्यादा एक्साइटिंग पैरा मूवी में कौन सी मूवी देखना पसंद है, और कौन सी मूवी के किरदार के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, और आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी और बेहतरीन मूवी प्रीमियर करके भी दिखाएंगे, और
इन दिनों आप सभी को कबीर सिंह जैसी बेहतरीन मूवीज़ देखना है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ढांसू कमाई करने वाली मूवीज़ के फ़ैन हो तो दोस्तों आप लोगों ने हमारे स्पीडे को लाइक करिएगा। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ किया रेडवानी इस टाइम बॉलीवुड की एक पॉपुलर बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड की एक पॉपुलर एक्ट्रेस बन चुकी है जिनकी मूवीज़ को लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दे रहे और पसंद कर रहे हैं। जिनकी पिछले टाइम रिलीज हुई काफ़ी सारी मूवीज़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर रही थी और लोगों को वो सब मूवी भी काफ़ी अच्छा लगा था। और मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा इन दिनों इस तरह के मूवीज़ फिल्में के लिए और काफ़ी सारी सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ के लिए आप सभी को मैं भी रिकमेंड करूँगा। और इस तरह के बेहतरीन मूवीज़ के साथ इस टाइम कबीर सिंह की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी बेहतरीन कमाई करने के सबसे बड़े रीजंस की कियारा आडवाणी और शाहिद कपूर की एक्टिंग करियर, उसके साथ साथ संदीप रेड्डी भागा ने जिस तरह से मूवी के डायरेक्टर के अंदर काम किए और जिन्होंने इतनी पॉपुलर मूवी को डायरेक्ट किया, तीनों ही मूवी आप लोगों ने देख सकते हो संदीप रेड्डी भागा के करियर के अंदर जो काफ़ी पॉपुलर रह चुकी है। दोस्तों स्पीडे को लाइक करिए और संदीप रेड्डी भागा की रिसेंटली रिलीज हुई मूवी आप लोगों ने एनिमल फुल एचडी पर देखी है और नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेना रिकमेंड करते हैं, जो कि एनिमल मूवी भी फुल एचडी पर आप सभी को उधर ही देखने को मिल जाएगा। शाहिद कपूर सर की साल 2019 की रोमांटिक एक्शन मूवी कबीर सिंह के लिए इस वीडियो के अंदर आए हो तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2019 की रोमांटिक एक्शन मूवी कबीर सिंह की हिंदी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन कबीर सिंह फुल एचडी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। आईएमडीबी की तरफ से 7/10 की रेटिंग मिली हुई वन ऑफ द फाइनेस्ट एक बेहतरीन मूवी कबीर सिंह आप सभी को फुल एचडी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिएगा। आप सभी को बता दें कबीर सिंह के अंदर लीड कास्ट में आप सभी को शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, निकिता दत्त, टीना सिंह जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। आप सभी को बता दें कि ये मूवी संदीप रेड्डी भागा ने डायरेक्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, संदीप रेड्डी भागा जिन्होंने हाल ही में रिलीज हुई मूवी एनिमल को ही डायरेक्ट किया था, जो कि इतने बड़े इतने पॉपुलर डायरेक्टर जिन्होंने बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ को डायरेक्ट कर रहे हैं और सुपर हिट मूवीज़ आप सभी के पास लेकर आ रहे हैं। बेहतरीन मूवीज़ के डायरेक्टर संदीप रेड्डी भागा ने अपकमिंग डेज में इस मूवी के सीक्वल को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप लोगों में से कनकन संदीप रेड्डी भागा की हाल ही में रिलीज हुई मूवी एनिमल को फुल एचडी पर देख चुकी है या फिर नहीं, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके बताइएगा। और अपकमिंग डेज में आप सभी को संदीप रेड्डी भागा की अपकमिंग मूवी सीक्वल के बारे में आप सभी को जानकारी तो करवाएंगे। उसके अलावा आप सभी को इन दिनों बेहतरीन बॉलीवुड की मूवीज देखने को मिल रही है, आप लोगों को इस तरह के फुल एचडी प्रीमियर पर मूवी देख रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। कबीर सिंह वन ऑफ द फाइनेस्ट एक बेहतरीन मूवी बन चुकी है। 2019 में रिलीज हुआ था इस मूवी को एक रोमांटिक मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 379 करोड़ की कलेक्शन कर ली थी। एक बेहतरीन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कर लिया, जो कि काफ़ी सारे लोग इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड रहते थे। पिछली टाइम बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ डिजिटल प्रीमियर पर भी देखने को मिला था, लोगों को काफ़ी पॉपुलर मूवी के बारे में चर्चे हो रहे थे और लोगों के पास अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद था। तेलुगु इंडस्ट्री के डायरेक्टर संदीप रेड्डी भागा ने पिछली टाइम बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ को लेकर आ चुकी है, जो कि ये मूवी आप सभी को ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी ऑफिशियली आप सभी को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स प्रीमियर कबीर सिंह एक बेहतरीन रोमांटिक मूवी है, जिसके वजह से शाहिद कपूर की करियर में इतना ज़्यादा चेंजेस आया, साथ ही साथ इसके वजह से कियारा आडवाणी के करियर में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया था, जो कि इस मूवी के रीज़न से ही इन दोनों के करियर में इतने ज़्यादा चेंजेस आया। एक पॉपुलर मूवी बना था, लो बजट मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया था। आप लोगों में से कनकन इस तरह के जानरा की मूवीज़ फ़ैन हो, कबीर सिंह फुल एचडी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। एक बेहतरीन मूवी अर्जुन रेड्डी का ऑफिशियली रीमेक मूवी होने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने इतनी बढ़िया कमाई कर ली और इतने तेज़ी से वायरल हुआ था ये मूवी और संदीप रेड्डी भागा की डायरेक्टर बनी हुई इस मूवी ने जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बहुत ही तगड़े कमाई कर ली थी। और इस टाइम एनिमल मूवी जो कि संदीप रेड्डी
भागे के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी एनिमल, जिसने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया है। आप लोगों में से कनकन इस जनरा की मूवीज के फैन हो, इस तरह के मूवी हिंदी में देखना पसंद करती हो, तो दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों को संदीप रेड्डी भागा का मूवी पसंद है, उनकी इस तरह के बेहतरीन मूवीज देखना पसंद करते हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। इन दिनों आप सभी को बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज देखने को मिल रही है, जो कि पिछले टाइम आप सभी को बेहतरीन मूवीज के बारे में अपडेट जानना था और लोगों ने हमें कमेंट करके पूछ रहे थे ये सब मूवी की हिंदी फिल्में के लिए, और इन दिनों बेहतरीन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचाने वाली बेहतरीन मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है। मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा, आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज प्रीमियर पर लेके दिखाना चाहता हूँ, जो कि पिछले टाइम लोगों ने इस तरह के जॉनर की मूवीज को देखना पसंद कर रहे थे और लोगों ने हमें कमेंट करके बताया था कबीर सिंह की फुल एचडी प्रीमियर कैसे यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा वो जानने के लिए, जो कि शाहिद कपूर सर ने पिछले टाइम बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज के अंदर काम कर चुके हैं, जिसमें रोमांटिक एक्शन मूवी कबीर सिंह जो एक रीमेक मूवी होने के बाद भी इनकी इतनी पॉपुलरिटी रही। आप लोगों में से कनकन इस मूवी के फैन हो, और आप सभी को बता दें ब्लडी डैडी हाल ही में रिलीज हुई शाहिद कपूर की लीड कास्ट में बनी हुई मूवी, जो आप सभी को ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। ये मूवी भी आप सभी को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर रिलीज हुई ब्लडी डैडी भी वन ऑफ द फाइनेस्ट बेहतरीन मूवी बन चुकी है। आप लोगों में से कनकन इन जॉनरा की मूवीज के फैन हो, इस तरह के मूवीज आप लोगों ने देखना पसंद करते हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों को कबीर सिंह जैसी रोमांटिक मूवीज देखना पसंद था, और पिछले टाइम काफी सारे लोग को आसानी से इन जॉनरा की बेहतरीन मूवीज देखने को मिल रही थी, बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज, और काफ़ी अच्छी खासी मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, कबीर सिंह जैसी एक रोमांटिक बेहतरीन मूवी जो तेलुगु इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जो कि संदीप रेड्डी भागा ने इस टाइम पर प्रीमियर किया है, जो आप सबने अभी थिएटर पर जाकर देख सकती हो। एनिमल मूवी रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना के लीड कास्ट में बनी हुई मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ढांसू कमाई कर रही है और लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है ये मूवी, और लोग इन दिनों इस मूवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं और लोगों ने इस जॉनर की मूवीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। आप लोगों में से कनकन संदीप रेड्डी भागा के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवीज़ देखना पसंद करती हो, और शाहिद कपूर के फैन हो, ब्लडी डैडी, जबी मेट, जर्सी जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज जाने के बाद इनकी 2023 में इस मूवी आया है, और कमिंग डेज में कौन सी मूवी आएगा, कौन से जॉनर की मूवी उनको देखने को मिल जाएगा, ये बात तो आप सभी को रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा। अभी हम आप सभी को कुछ कह नहीं सकते, मूवी के बारे में काफ़ी दिनों से चर्चे हो रहे थे और लोगों ने इस मूवी को फुल एचडी प्रीमियर पर देखना चाहते थे, जिसके रीज़न से आज की इस वीडियो में आप सभी को मूवी की यूट्यूब प्रीमियर के बारे में चर्चे दे रहे हैं, जो कि ये मूवी आप लोगों को YouTube पर कुछ टाइम पहले देखने को मिला था, पर दोस्तों कुछ टेक्निकल रीजंस के वजह से मूवी को रिमूव कर दिया गया, जो ऑफिशियली आप सभी को Netflix पर देखने को मिल जाएगा। Netflix प्रीमियर कबीर सिंह जो आप सभी का एनिमल मूवी भी आप सभी को Netflix पर ही देखने को मिल सकता है। इतनी बढ़िया और बेहतरीन मूवीज आप सभी को देखने को मिल रही है Netflix प्रीमियर, और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज के साथ आप सभी को देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिए, और अपकमिंग डेज में कौन सी जॉनर की मूवी देखना पसंद करती हो, किस तरह के किरदार के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहती हो, आप हमें कमेंट करिएगा। उनकी रीमेक मूवी जर्सी एक फ्लॉप मूवी रही थी, संदीप रेड्डी भागा के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवीज़ आप लोगों को देखना पसंद है, तो दोस्तों इस टाइम आप सभी को मैं और कुछ नई मूवी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों एनिमल मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा रहा है, जिसकी सबसे पहले आप लोगों ने उसी मूवी को थिएटर जाकर देखी है, इसके बाद ही आप सभी को अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा प्यार और एक्साइटिंग मूवीज़ देखने को मिल जाएगा। इन दिनों आप सभी को शाहिद कपूर सर की बेहतरीन मूवी प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा, और संदीप रेड्डी के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवीज़ में आप सभी को महानती, स्प्रीत, अर्जुन रेड्डी, आदित्य वर्मा जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है। अपकमिंग डेज
उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे और इन दिनों लोगों के पास काफ़ी अच्छा खासा मूवी देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हैशटैग कबीर सिंह फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। अपकमिंग डेज में आप सभी को और भी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग बेहतरीन मूवीज़ आप सभी के पास हम लेकर आएंगे और आप सभी को इन जानर की मूवी ज़्यादा पसंद है और इस तरह के मूवी की प्रीमियर के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहती हो तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। अपकमिंग डेज में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। कियारा आडवाणी के करियर पर काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ आ गई थी जिसमें से ये एक मूवीज़ ने उनके करियर को इतना ज़्यादा चेंजेस किया और लाइफ टाइम चेंजेस मूवी बनी जिसके रीज़न से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने धूम मचा दिया था। आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और अपकमिंग डेज में आप सभी को इन जॉनर की मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे आप हमें बताइएगा। कबीर सिंह जैसी बेहतरीन मूवी आप सभी को पसंद है तो दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। सेलिब्रिटी भाका के डायरेक्टर बनी हुई मूवी एनिमल जो थिएटर पर हल्का पिट रही है उस मूवी को सबसे पहले आप लोगों ने थिएटर पर जाकर देखिए। उसके तुरंत बाद ही आप सभी को हम अपकमिंग नई डेज की मूवीज़ प्रीमियर में लेकर आएंगे और वो सब मूवी के बारे में आप सभी को हम अपडेट भी देने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर हैशटैग कबीर सिंह फुल मूवी लेके कमेंट करिए और बताइए कि दोस्तों अपकमिंग डेज में आप सभी को और भी ज़्यादा एक्साइटिंग पैरा मूवी में कौन सी मूवी देखना पसंद है और कौन सी मूवी के किरदार के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो और आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी और बेहतरीन मूवी प्रीमियर करके भी दिखाएंगे। और इन दिनों आप सभी को कबीर सिंह जैसी बेहतरीन मूवीज़ देखना है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ढांसू कमाई करने वाली मूवीज़ के फ़ैन हो तो दोस्तों आप लोगों ने हमारे स्पीडे को लाइक करिएगा। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ कियारा आडवाणी इस टाइम बॉलीवुड की एक पॉपुलर बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों बॉलीवुड की एक पॉपुलर एक्ट्रेस बन चुकी है जिनकी मूवीज़ को लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दे रहे और पसंद कर रहे हैं। जिनकी पिछले टाइम रिलीज हुई काफ़ी सारी मूवीज़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर रही थी और लोगों को वो सब मूवी भी काफ़ी अच्छा लगा था और मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा इन दिनों इस तरह के मूवीज़ प्रीमियर के लिए और काफ़ी सारी सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ के लिए आप सभी को मैं भी रिकमेंड करूँगा और इस तरह के बेहतरीन मूवीज़ के साथ इस टाइम कबीर सिंह की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी बेहतरीन कमाई करने के सबसे बड़े रीजंस की कियारा आडवाणी और शाहिद कपूर की एक्टिंग करियर उसके साथ साथ संदीप रेड्डी भागा ने जिस तरह से मूवी के डायरेक्टर के अंदर काम किए और जिन्होंने इतनी पॉपुलर मूवी को डायरेक्ट किया तीनों ही मूवी आप लोगों ने देख सकते हो संदीप रेड्डी भागा के करियर के अंदर जो काफ़ी पॉपुलर रह चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए और संदीप रेड्डी भागा की रिसेंटली रिलीज हुई मूवी आप लोगों ने एनिमल फुल एचडी पर देखी है और नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन लेना रिकमेंड करते हैं जो कि एनिमल मूवी भी फुल एचडी पर आप सभी को उधर ही देखने को मिल जाएगा। शाहिद कपूर सर की साल 2019 की रोमांटिक एक्शन मूवी कबीर सिंह के लिए इस वीडियो के अंदर आए हो तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2019 की रोमांटिक एक्शन मूवी कबीर सिंह की हिंदी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन कबीर सिंह फुल एचडी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। आईएमडीबी की तरफ से 7 out of 10 की रेटिंग मिली हुई वन ऑफ द फाइनेस्ट एक बेहतरीन मूवी कबीर सिंह आप सभी को फुल एचडी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिएगा। आप सभी को बता दें कबीर सिंह के अंदर लीड कास्ट में आप सभी को शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, निकिता दत्त, टीना सिंह जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। आप सभी को बता दें कि ये मूवी संदीप रेड्डी भागा ने डायरेक्ट किया है। जी हाँ दोस्तों संदीप रेड्डी भागा जिन्होंने हाल ही में रिलीज हुई मूवी एनिमल को ही डायरेक्ट किया था जो कि इतने बड़े इतने पॉपुलर डायरेक्टर जिन्होंने बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ को डायरेक्ट कर रहे और सुपर हिट मूवीज़ आप सभी के पास लेकर आ रहे हैं बेहतरीन मूवीज़ के डायरेक्टर संदीप रेड्डी भागा ने अपकमिंग डेज में इस मूवी के सीक्वल को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप लोगों में से कनकन संदीप रेड्डी भागा की हाल ही में रिलीज हुई मूवी
एनिमल को फुल एचडी पर देख चुकी है या फिर नहीं, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके बताइएगा। और अपकमिंग डेज में आप सभी को संदीप रेड्डी बागा की अपकमिंग मूवी सीक्वल के बारे में आप सभी को जानकारी तो करवाएंगे। उसके अलावा आप सभी को इन दिनों बेहतरीन बॉलीवुड की मूवीज देखने को मिल रही है। आप लोगों को इस तरीके की फुल एचडी प्रीमियर पर मूवी देख रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। कबीर सिंह वन ऑफ द फाइनेस्ट एक बेहतरीन मूवी बन चुकी है। 2019 में रिलीज हुआ था इस मूवी को एक रोमांटिक मूवी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 379 करोड़ की कलेक्शन कर ली थी। एक बेहतरीन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कर लिया, जो कि काफ़ी सारे लोग इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड रहते थे। पिछली टाइम बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज़ डिजिटल प्रीमियर पर भी देखने को मिला था। लोगों को काफ़ी पॉपुलर मूवी के बारे में चर्चे हो रहे थे और लोगों के पास अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा प्यारा और एक्साइटिंग रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद था। तेलुगु इंडस्ट्री के डायरेक्टर संदीप रेड्डी बागा ने पिछली टाइम बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज़ को लेकर आ चुकी है, जो कि ये मूवी आप सभी को ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी ऑफिशियली आप सभी को नेटफ्लिक्स पर देखने को जाएगा। नेटफ्लिक्स प्रीमियर कबीर सिंह एक बेहतरीन रोमांटिक मूवी है, जिसके वजह से शाहिद कपूर की करियर में इतना ज़्यादा चेंजेस आया, साथ ही साथ इसके वजह से कियारा आडवाणी की करियर में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया था, जो कि इस मूवी के रीज़न से ही इन दोनों की करियर में इतने ज़्यादा चेंजेस आया। एक पॉपुलर मूवी बना था, लो बजट मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया था। आप लोगों में से कन कन इस तरह के जॉनर की मूवीज फैन हो, कबीर सिंह फुल एचडी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। एक बेहतरीन मूवी, अर्जुन रेड्डी का ऑफिशियली रीमेक मूवी होने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने इतनी बढ़िया कमाई कर ली और इतने तेजी से वायरल हुआ था ये मूवी। और संदीप रेड्डी बागा की डायरेक्टर बनी हुई इस मूवी ने जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बहुत ही तगड़े कमाई कर ली थी। और इस टाइम एनिमल मूवी जो कि संदीप रेड्डी बागा की डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी एनिमल, जिसने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया है। आप लोगों में से कन कन इस जॉनर की मूवीज के फैन हो, इस तरह के मूवी हिंदी में देखना पसंद करती हो तो दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों को संदीप रेड्डी बागा का मूवी पसंद है, उनकी इस तरह के बेहतरीन मूवीज देखना पसंद करते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। इन दिनों आप सभी को बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज देखने को मिल रही है, जो कि पिछली टाइम आप सभी को बेहतरीन मूवीज के बारे में अपडेट जानना था और लोगों ने हमें कमेंट करके पूछ रहे थे ये सब मूवी की हिंदी फिल्में के लिए। और इन दिनों बेहतरीन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचाने वाली बेहतरीन मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है। मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा, आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज प्रीमियर पर लेके दिखाना चाहता हूँ, जो कि पिछले टाइम लोगों ने इस तरह के जॉनर की मूवीज को देखना पसंद कर रहे थे और लोगों ने हमें कमेंट करके बताया था कबीर सिंह की फुल एचडी प्रीमियर कैसे यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा वो जानने के लिए, जो कि शाहिद कपूर सर ने पिछले टाइम बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज के अंदर काम कर चुके हैं। इसमें रोमांटिक एक्शन मूवी कबीर सिंह जो एक रीमेक मूवी होने के बाद भी इनकी इतनी पॉपुलर रही पॉपुलरिटी रही, आप लोगों में से कन कन इस मूवी के फैन हो। और आप सभी को बता दें ब्लडी डैडी हाल ही में रिलीज हुई शाहिद कपूर की लीड कास्ट में बनी हुई मूवी, जो आप सभी को ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। ये मूवी भी आप सभी को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर रिलीज हुई ब्लडी डैडी भी वन ऑफ द फाइनेस्ट बेहतरीन मूवी बन चुकी है। आप लोगों में से कन कन इन जॉनर की मूवीज के फैन हो, इस तरह के मूवीज आप लोगों ने देखना पसंद करते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों को कबीर सिंह जैसी रोमांटिक मूवीज देखना पसंद था, और पिछले टाइम काफी सारे लोग को आसानी से इन जॉनर की बेहतरीन मूवीज देखने को मिल रही थी, बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज, और काफ़ी अच्छी खासी मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, कबीर सिंह जैसी एक रोमांटिक बेहतरीन मूवी जो तेलुगु इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जो कि संदीप रेड्डी बागा ने इस टाइम पर प्रीमियर किया है, जो आप सबने अभी थिएटर पर जाकर देख सकते हो। एनिमल मूवी रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना के लीड कास्ट में बनी हुई मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ढांसू कमाई कर रही है और लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है ये मूवी, और लोग इन दिनों इस मूवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं और लोगों ने इस जॉनर की मूवीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। आप लोगों में से कन कन संदीप रेड्डी बागा के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवीज़ देखना पसंद करती हो
और शाहिद कपूर के फैन हूँ। ब्लडी डैडी, जबी मैन, जर्सी जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ रहने के बाद इनकी 2023 में इस मूवी आया है। और कमिंग डेज में कौन सी मूवी आएगा, कौन से जानडा की मूवी उनको देखने को मिल जाएगा, ये बात तो आप सभी को रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा। अभी हम आप सभी को कुछ कह नहीं सकते, मूवी के बारे में काफ़ी दिनों से चर्चे हो रहे थे और लोगों ने इस मूवी को फुल एच डी प्रीमियर पर देखना चाहते थे, जिसके रीज़न से आज की इस वीडियो में आप सभी को मूवी के यूट्यूब प्रीमियर के बारे में चर्चे दे रहे हैं, जो कि ये मूवी आप लोगों को यूट्यूब पर कुछ टाइम पहले देखने को मिला था, पर दोस्तों कुछ टेक्निकल रीजंस के वजह से मूवी को रिमूव कर दिया गया, जो ऑफिशियली आप सभी को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स प्रीमियर कबीर सिंह जो आप सभी का एनिमल मूवी भी आप सभी को नेटफ्लिक्स पर ही देखने को मिल सकता है। इतनी बढ़िया और बेहतरीन मूवीज़ आप सभी को देखने को मिल रही है नेटफ्लिक्स प्रीमियर, और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ आप सभी को देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिए और अपकमिंग डेज में कौन सी जानडा की मूवी देखना पसंद करते हो, किस तरह के किरदार के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, आप हमें कमेंट करिएगा। उनकी रीमेक मूवी जर्सी एक फ्लॉप मूवी रही थी, संदीप रेड्डी भाकर के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवीज़ आप लोगों को देखना पसंद है। तो दोस्तों इस टाइम आप सभी को मैं और कुछ नई मूवी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों एनिमल मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा रहा है, जिसकी सबसे पहले आप लोगों ने उसी मूवी को थिएटर जाकर देखी है। इसके बाद ही आप सभी को अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा प्यारा और एक्साइटिंग मूवीज देखने को मिल जाएगा। इन दिनों आप सभी को शाहिद कपूर सर की बेहतरीन मूवी प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा, और संदीप रेड्डी के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवीज़ में आप सभी को महानती, स्प्रिंट, अर्जुन रेड्डी, आदित्य वर्मा जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है, जिन जिन लोगों ने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे, और इन दिनों लोगों के पास काफ़ी अच्छा खासा मूवी देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और हैशटैग कबीर सिंह फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। अपकमिंग डेज में आप सभी को और भी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग बेहतरीन मूवीज़ आप सभी के पास हम लेकर आएंगे, और आप सभी को इन जानर की मूवी ज़्यादा पसंद है और इस तरह की मूवी की प्रीमियर के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहती हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। अपकमिंग डेज में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। कियारा आडवाणी की करियर पर काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ आ गई थी, जिसमें से ये एक मूवीज़ ने उनकी करियर को इतना ज़्यादा चेंजेस किया और लाइफ टाइम चेंजेस मूवी बनी, जिसके रीज़न से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने धूम मचा दिया था। आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और अपकमिंग डेज में आप सभी को इन जनर की मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे आप हमें बताइएगा। कबीर सिंह जैसी बेहतरीन मूवी आप सभी को पसंद है, तो दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। संदीप रेड्डी भाकर के डायरेक्टर बनी हुई मूवी एनिमल जो थिएटर पर हल्का पिट रही है, उस मूवी को सबसे पहले आप लोगों ने थिएटर पर जाकर देखिए, उसके तुरंत बाद ही आप सभी को हम अपकमिंग नई डेज की मूवीज़ प्रीमियर में लेकर आएंगे, और वो सब मूवी के बारे में आप सभी को हम अपडेट भी देने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर हैशटैग कबीर सिंह फुल मूवी लेके कमेंट करिए और बताइए कि दोस्तों अपकमिंग डेज में आप सभी को और भी ज़्यादा एक्साइटिंग पैरा मूवी में कौन सी मूवी देखना पसंद है, और कौन सी मूवी के किरदार के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, और आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी और बेहतरीन मूवी प्रीमियर करके भी दिखाएंगे। और इन दिनों आप सभी को कबीर सिंह जैसी बेहतरीन मूवीज़ देखना है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ढांसू कमाई करने वाली मूवीज़ के फ़ैन हो, तो दोस्तों आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ कियारा आडवाणी इस टाइम बॉलीवुड की एक पॉपुलर बन चुकी है, जी हाँ दोस्तों बॉलीवुड की एक पॉपुलर एक्ट्रेस बन चुकी है, जिनकी मूवीज़ को लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, जिनकी पिछले टाइम रिलीज हुई काफ़ी सारी मूवीज़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर रही थी और लोगों को वो सब मूवी भी काफ़ी अच्छा लगा था, और मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा इन दिनों इस तरह के मूवीज़ फिल्में के लिए और काफ़ी सारी सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ के लिए आप सभी को मैं भी रिकमेंड करूँगा, और इस तरह के बेहतरीन मूवीज़ के साथ इस टाइम कबीर सिंह की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी बेहतरीन कमाई करने के सबसे बड़े रीजंस की कियारा आडवाणी और शाहिद कपूर की एक्टिंग करियर, उसके साथ साथ संदीप रेड्डी भाकर ने जिस तरह से मूवी के डायरेक्टर के अंदर काम किए और जिन्होंने इतनी पॉपुलर मूवी को डायरेक्ट किया, तीनों ही मूवी आप लोगों ने देख सकते हो संदीप रेड्डी भाकर के करियर के अंदर जो काफ़ी पॉपुलर रह चुकी है। तो
दोस्तों स्पीड ए को लाइक करिए और संदीप रेड्डी बैगा की रिसेंटली रिलीज हुई मूवी आप लोगों ने एनिमल फुल एचडी पर देखी है और नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेना रिकमेंड करती है, जो कि एनिमल मूवी भी फुल एचडी पर आप सभी को उधर ही देखने को मिल जाएगा। शाहिद कपूर सर की साल 2019 की रोमांटिक एक्शन मूवी कबीर सिंह के लिए इस वीडियो के अंदर आए हो, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2019 की रोमांटिक एक्शन मूवी कबीर सिंह की हिंदी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन कबीर सिंह फुल एचडी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। आईएमडीबी की तरफ से 7/10 की रेटिंग मिली हुई वन ऑफ द फाइनेस्ट एक बेहतरीन मूवी कबीर सिंह आप सभी को फुल एचडी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिएगा। आप सभी को बता दें कबीर सिंह के अंदर लीड कास्ट में आप सभी को शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, निकिता दत्त, तीन अश्विन जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। आप सभी को बता दें कि ये मूवी संदीप रेड्डी वाघा ने डायरेक्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, संदीप रेड्डी वाघा जिन्होंने हाल ही में रिलीज हुई मूवी एनिमल को ही डायरेक्ट किया था, जो कि इतने बड़े इतने पॉपुलर डायरेक्टर जिन्होंने बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज़ को डायरेक्ट कर रहे और सुपरहिट मूवीज़ आप सभी के पास लेकर आ रहे बेहतरीन मूवीज़ के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वाघा ने अपकमिंग डेज में इस मूवी के सीक्वल को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप लोगों में से कनकन संदीप रेड्डी वाघा की हाल ही में रिलीज हुई मूवी एनिमल को फुल एचडी पर देख चुकी है या फिर नहीं, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके बताइएगा। और अपकमिंग डेज में आप सभी को संदीप रेड्डी वाघा की अपकमिंग मूवी सीक्वल के बारे में आप सभी को जानकारी तो करवाएंगे। उसके अलावा आप सभी को इन दिनों बेहतरीन बॉलीवुड की मूवीज़ देखने को मिल रही है, आप लोगों को इस तरीके के फुल एचडी प्रीमियर पर मूवी देख रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। कबीर सिंह वन ऑफ द फाइनेस्ट एक बेहतरीन मूवी बन चुकी है, 2019 में रिलीज हुआ था इस मूवी को एक रोमांटिक मूवी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 379 करोड़ की कलेक्शन कर ली थी। एक बेहतरीन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कर लिया, जो कि काफ़ी सारे लोग इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड रहते थे। फर्स्ट टाइम बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज़ डिजिटल प्रीमियर पर भी देखने को मिला था, लोगों को काफ़ी पॉपुलर मूवी के बारे में चर्चे हो रहे थे और लोगों के पास अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद था। तेलुगु इंडस्ट्री के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वाघा ने पिछले टाइम बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज़ को लेकर आ चुकी है, जो कि ये मूवी आप सभी को ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी ऑफिशियली आप सभी को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स प्रीमियर कबीर सिंह एक बेहतरीन रोमांटिक मूवी है, जिसके वजह से शाहिद कपूर की करियर में इतना ज़्यादा चेंजेस आया, साथ ही साथ इसके वजह से कियारा आडवाणी की करियर में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया था, जो कि इस मूवी के रीज़न से ही इन दोनों की करियर में इतने ज़्यादा चेंजेस आया। एक पॉपुलर मूवी बना था, लो बजट मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया था। आप लोगों में से कनकन इस तरह के जॉनर की मूवीज़ फ़ैन हो, कबीर सिंह फुल एचडी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। एक बेहतरीन मूवी अर्जुन रेड्डी का ऑफिशियली रीमेक मूवी होने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने इतनी बढ़िया कमाई कर ली और इतने तेज़ी से वायरल हुआ था ये मूवी, और संदीप रेड्डी वाघा की डायरेक्टर बनी हुई इस मूवी ने जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बहुत ही तगड़े कमाई कर ली थी। और इस टाइम एनिमल मूवी जो कि संदीप रेड्डी वाघा के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी एनिमल, जिसने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया है। आप लोगों में से कनकन इस जॉनर की मूवीज़ के फैन हो, इस तरह के मूवी हिंदी में देखना पसंद करती हो तो दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों को संदीप रेड्डी वाघा का मूवी पसंद है, उनकी इस तरह के बेहतरीन मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। इन दिनों आप सभी को बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज़ देखने को मिल रही है, जो कि पिछले टाइम आप सभी को बेहतरीन मूवीज़ के बारे में अपडेट जानना था और लोगों ने हमें कमेंट करके पूछ रहे थे ये सब मूवी की हिंदी फिल्में के लिए, और इन दिनों बेहतरीन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचाने वाली बेहतरीन मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है। मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा, आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ प्रीमियर पर लेके दिखाना चाहता हूँ, जो कि पिछले टाइम लोगों ने इस तरह के जॉनर की मूवीज़ को देखना पसंद कर रहे थे और लोगों ने हमें कमेंट करके बताया था कबीर सिंह की फुल एचडी प्रीमियर कैसे यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा वो जानने के लिए, जो कि शाहिद कपूर सर ने पिछले टाइम बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ के अंदर काम कर चुके हैं, जिसमें रोमांटिक एक्शन मूवी कबीर सिंह जो एक रीमेक मूवी होने के बाद भी इनकी इतनी पॉपुलर रही, पॉपुलरिटी रही। आप लोगों में से कनकन इस मूवी के फ़ैन हो,
और आप सभी को बता दें ब्लडी डैडी हाल ही में रिलीज हुई शाहिद कपूर की लीड कास्ट में बनी हुई मूवी जो आप सभी को ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। ये मूवी भी आप सभी को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर रिलीज हुई ब्लडी डैडी भी वन ऑफ द फाइनेस्ट बेहतरीन मूवी बन चुकी है। आप लोगों में से कन कन इन जॉनरा की मूवीज़ के फ़ैन हो, इस तरह की मूवीज़ आप लोगों ने देखना पसंद करते हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों को कबीर सिंह जैसी रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद था, और पिछले टाइम काफ़ी सारे लोग को आसानी से इन जॉनरा की बेहतरीन मूवीज़ देखने को मिल रही थी। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ और काफ़ी अच्छी खासी मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, कबीर सिंह जैसी एक रोमांटिक बेहतरीन मूवी जो तेलुगु इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जो कि संदीप रेड्डी भागा ने इस टाइम पर प्रीमियर किया है, जो आप सबने अभी थिएटर पर जाकर देख सकते हो। एनिमल मूवी रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना के लीड कास्ट में बनी हुई मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ढांसू कमाई कर रही है और लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है ये मूवी, और लोग इन दिनों इस मूवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं और लोगों ने इस जॉनर की मूवीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। आप लोगों में से कन कन संदीप रेड्डी भागा के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवीज़ देखना पसंद करती हो और शाहिद कपूर के फैन हूँ। ब्लडी डैडी, जबी मेट, जर्सी जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज रहने के बाद इनकी 2023 में इस मूवी आया है, और कमिंग डेज में कौन सी मूवी आएगा, कौन से जॉनर की मूवी उनको देखने को मिल जाएगा, ये बात तो आप सभी को रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा। अभी हम आप सभी को कुछ कह नहीं सकते, मूवी के बारे में काफ़ी दिनों से चर्चे हो रहे थे और लोगों ने इस मूवी को फुल HD प्रीमियर पर देखना चाहते थे, जिसके रीज़न से आज की इस वीडियो में आप सभी को मूवी के यूट्यूब प्रीमियर के बारे में चर्चा दे रहे हैं, जो कि ये मूवी आप लोगों को YouTube पर कुछ टाइम पहले देखने को मिला था, पर दोस्तों कुछ टेक्निकल रीजंस के वजह से मूवी को रिमूव कर दिया गया, जो ऑफिशियली आप सभी को Netflix पर देखने को मिल जाएगा। Netflix प्रीमियर कबीर सिंह जो आप सभी का एनिमल मूवी भी आप सभी को Netflix पर ही देखने को मिल सकता है। इतनी बढ़िया और बेहतरीन मूवीज आप सभी को देखने को मिल रही है Netflix प्रीमियर और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज के साथ आप सभी को देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिए और अपकमिंग डेज में कौन सी जॉनर की मूवी देखना पसंद करते हो, किस तरह के किरदार के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, आप हमें कमेंट करिएगा। उनकी रीमेक मूवी जर्सी एक फ्लॉप मूवी रही थी, संदीप रेड्डी भाका के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवीज़ आप लोगों को देखना पसंद है। तो दोस्तों इस टाइम आप सभी को मैं और कुछ नई मूवी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों एनिमल मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा रहा है, जिसकी सबसे पहले आप लोगों ने उसी मूवी को थिएटर जाकर देखी है, इसके बाद ही आप सभी को अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा प्यारा और एक्साइटिंग मूवीज देखने को मिल जाएगा। इन दिनों आप सभी को शाहिद कपूर सर की बेहतरीन मूवी प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा और संदीप रेड्डी के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवीज़ में आप सभी को महानति, स्प्रीत, अर्जुन रेड्डी, आदित्य वर्मा जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे, और इन दिनों लोगों के पास काफ़ी अच्छा खासा मूवी देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और #कबीर सिंह फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। अपकमिंग डेज में आप सभी को और भी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग बेहतरीन मूवीज़ आप सभी के पास हम लेकर आएंगे, और आप सभी को इन जॉनर की मूवी ज़्यादा पसंद है और इस तरह के मूवी की प्रीमियर के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। अपकमिंग डेज में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। KR अडवाणी के करियर पर काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ आ गई थी, जिसमें से ये एक मूवीज़ ने उनके करियर को इतना ज़्यादा चेंजेस किया और लाइफ टाइम चेंजेस मूवी बनी, जिसके रीज़न से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने धूम मचा दिया था। आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और अपकमिंग डेज में आप सभी को इन जॉनर की मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे, आप हमें बताइएगा। कबीर सिंह जैसी बेहतरीन मूवी आप सभी को पसंद है, तो दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। संदीप रेड्डी भाका के डायरेक्टर बनी हुई मूवी एनिमल जो थिएटर पर हल्का पिट रही है, उस मूवी को सबसे पहले आप लोगों ने थिएटर पर जाकर देखिए, उसके तुरंत बाद ही आप सभी को हम अपकमिंग नई डेज की मूवीज़ प्रीमियर में लेकर आएंगे और वो सब मूवी के बारे में आप सभी को हम अपडेट भी देने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #कबीर सिंह फुल मूवी लेके कमेंट करिए और बताइए कि दोस्तों अपकमिंग डेज में आप सभी को और भी ज़्यादा एक्साइटिंग
पैरा मूवी में कौन सी मूवी देखना पसंद है और कौन सी मूवी के किरदार के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी और बेहतरीन मूवी प्रीमियर करके भी दिखाएंगे। और इन दिनों आप सभी को कबीर सिंह जैसी बेहतरीन मूवीज़ देखना है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ढांसू कमाई करने वाली मूवीज़ के फ़ैन हो, तो दोस्तों आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ किया रेडवानी इस टाइम बॉलीवुड की एक पॉपुलर बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड की एक पॉपुलर एक्ट्रेस बन चुकी है जिनकी मूवीज़ को लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, जिनकी पिछले टाइम रिलीज़ हुई काफ़ी सारी मूवीज़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर रही थी और लोगों को वो सब मूवी भी काफ़ी अच्छा लगा था। और मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा इन दिनों इस तरह के मूवीज़ प्रीमियर के लिए और काफ़ी सारी सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ के लिए आप सभी को मैं भी रिकमेंड करूँगा। और इस तरह के बेहतरीन मूवीज़ के साथ इस टाइम कबीर सिंह की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी बेहतरीन कमाई करने के सबसे बड़े रीजंस की कियारा आडवाणी और शाहिद कपूर की एक्टिंग करियर, उसके साथ साथ संदीप रेड्डी भागा ने जिस तरह से मूवी के डायरेक्टर के अंदर काम किए और जिन्होंने इतनी पॉपुलर मूवी को डायरेक्ट किया, तीनों ही मूवी आप लोगों ने देख सकते हो संदीप रेड्डी भागा के करियर के अंदर जो काफ़ी पॉपुलर रह चुकी है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए। और संदीप रेड्डी भागा की रिसेंटली रिलीज हुई मूवी आप लोगों ने एनिमल फुल एचडी पर देखी है और नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेना रिकमेंड करते हैं, जो कि एनिमल मूवी भी फुल एचडी पर आप सभी को उधर ही देखने को मिल जाएगा। शाहिद कपूर सर की साल 2019 की रोमांटिक एक्शन मूवी कबीर सिंह के लिए इस वीडियो के अंदर आए हो, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2019 की रोमांटिक एक्शन मूवी कबीर सिंह की हिंदी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन कबीर सिंह फुल एचडी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। आईएमडीबी की तरफ से 7/10 की रेटिंग मिली हुई वन ऑफ द फाइनेस्ट एक बेहतरीन मूवी कबीर सिंह आप सभी को फुल एचडी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिएगा। आप सभी को बता दें कबीर सिंह के अंदर लीड कास्ट में आप सभी को शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी, निकिता दत्त, टीना सिंह जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। आप सभी को बता दें कि ये मूवी संदीप रेड्डी भागा ने डायरेक्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, संदीप रेड्डी भागा जिन्होंने हाल ही में रिलीज हुई मूवी एनिमल को ही डायरेक्ट किया था, जो कि इतने बड़े इतने पॉपुलर डायरेक्टर जिन्होंने बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ को डायरेक्ट कर रहे और सुपर हिट मूवीज़ आप सभी के पास लेकर आ रहे बेहतरीन मूवीज़ के डायरेक्टर संदीप रेड्डी भागा ने अपकमिंग डेज में इस मूवी के सीक्वल को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप लोगों में से कनकन संदीप रेड्डी भागा की हाल ही में रिलीज हुई मूवी एनिमल को फुल एचडी पर देख चुकी है या फिर नहीं, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके बताइएगा। और अपकमिंग डेज में आप सभी को संदीप रेड्डी भागा की अपकमिंग मूवी सीक्वल के बारे में आप सभी को जानकारी तो करवाएंगे। उसके अलावा आप सभी को इन दिनों बेहतरीन बॉलीवुड की मूवीज़ देखने को मिल रही है, आप लोगों को इस तरह के फुल एचडी प्रीमियर पर मूवी देख रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। कबीर सिंह वन ऑफ द फाइनेस्ट एक बेहतरीन मूवी बन चुकी है, 2019 में रिलीज हुआ था इस मूवी को एक रोमांटिक मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 379 करोड़ की कलेक्शन कर ली थी। एक बेहतरीन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कर लिया, जो कि काफ़ी सारे लोग इस तरह के जॉनर की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड रहते थे। पिछले टाइम बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ डिजिटल प्रीमियर पर भी देखने को मिला था, लोगों को काफ़ी पॉपुलर मूवी के बारे में चर्चे हो रहे थे और लोगों के पास अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा प्यारा और एक्साइटिंग रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद था। तेलुगु इंडस्ट्री के डायरेक्टर संदीप रेड्डी भागा ने पिछले टाइम बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ को लेकर आ चुकी है, जो कि ये मूवी आप सभी को ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी ऑफिशियली आप सभी को नेटफ्लिक्स पर देखने को जाएगा। नेटफ्लिक्स प्रीमियर कबीर सिंह एक बेहतरीन रोमांटिक मूवी है, जिसके वजह से शाहिद कपूर की करियर में इतना ज़्यादा चेंजेस आया, साथ ही साथ इसके वजह से कियारा आडवाणी की करियर में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया था, जो कि इस मूवी के रीज़न से ही इन दोनों की करियर में इतने ज़्यादा चेंजेस आया। एक पॉपुलर मूवी बना था, लो बजट मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया था। आप लोगों में से कनकन इस तरह के जॉनर की मूवीज़ फ़ैन हो, कबीर सिंह फुल एचडी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। एक बेहतरीन मूवी अर्जुन रेड्डी का ऑफिशियली रीमेक मूवी होने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने इतनी बढ़िया कमाई कर ली और इतने तेज़ी से वायरल हुआ था ये मूवी, और संदीप रेड्डी भागा की डायरेक्टर बनी हुई इस मूवी ने जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बहुत ही तगड़े कमाई कर ली थी। और इस टाइम एनिमल मूवी जो कि संदीप रेड्डी
बागे की डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी एनिमल, जिसने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया है। आप लोगों में से कनकन इस जॉनर की मूवीज के फैन हो, इस तरह के मूवी हिंदी में देखना पसंद करती हो, तो दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों को संदीप रेड्डी बागा का मूवी पसंद है, उनकी इस तरह के बेहतरीन मूवीज देखना पसंद करते हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। इन दिनों आप सभी को बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज देखने को मिल रही है, जो कि पिछली टाइम आप सभी को बेहतरीन मूवीज के बारे में अपडेट जानना था और लोगों ने हमें कमेंट करके पूछ रहे थे ये सब मूवी की हिंदी फिल्में के लिए, और इन दिनों बेहतरीन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचाने वाली बेहतरीन मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है। मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा, आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज प्रीमियर पर लेके दिखाना चाहता हूँ, जो कि पिछले टाइम लोगों ने इस तरह के जॉनर की मूवीज को देखना पसंद कर रहे थे और लोगों ने हमें कमेंट करके बताया था कबीर सिंह की फुल एचडी प्रीमियर कैसे यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा वो जानने के लिए, जो कि शाहिद कपूर सर ने पिछले टाइम बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज के अंदर काम कर चुके हैं, जिसमें रोमांटिक एक्शन मूवी कबीर सिंह जो एक रीमेक मूवी होने के बाद भी इनकी इतनी पॉपुलर रही, पॉपुलरिटी रही। आप लोगों में से कनकन इस मूवी के फैन हो, और आप सभी को बता दें ब्लडी डैडी हाल ही में रिलीज हुई शाहिद कपूर के लीड कास्ट में बनी हुई मूवी, जो आप सभी को ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। ये मूवी भी आप सभी को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर रिलीज हुई ब्लडी डैडी भी वन ऑफ द फाइनेस्ट बेहतरीन मूवी बन चुकी है। आप लोगों में से कनकन इन जॉनर की मूवीज के फैन हो, इस तरह के मूवीज आप लोगों ने देखना पसंद करते हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों को कबीर सिंह जैसी रोमांटिक मूवीज देखना पसंद था, और पिछले टाइम काफी सारे लोग को आसानी से इन जॉनर की बेहतरीन मूवीज देखने को मिल रही थी, बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज, और काफ़ी अच्छी खासी मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ को देखना पसंद करते हो, कबीर सिंह जैसी एक रोमांटिक बेहतरीन मूवी जो तेलुगु इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जो कि संदीप रेड्डी बागा ने इस टाइम पर प्रीमियर किया है, जो आप सब ने अभी थिएटर पर जाकर देख सकते हो। एनिमल मूवी रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना के लीड कास्ट में बनी हुई मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ढांसू कमाई कर रही है और लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है ये मूवी, और लोग इन दिनों इस मूवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं और लोगों ने इस जॉनर की मूवीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। आप लोगों में से कनकन संदीप रेड्डी बागा के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवीज़ देखना पसंद करती हो, और शाहिद कपूर के फैन हो, ब्लडी डैडी, जबी मेट, जर्सी जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज रहने के बाद इनकी 2023 में इस मूवी आया है, और कमिंग डेज में कौन सी मूवी आएगा, कौन से जॉनर की मूवी उनको देखने को मिल जाएगा, ये बात तो आप सभी को रिलीज के बाद ही पता चलेगा। अभी हम आप सभी को कुछ कह नहीं सकते, मूवी के बारे में काफ़ी दिनों से चर्चे हो रहे थे और लोगों ने इस मूवी को फुल एचडी प्रीमियर पर देखना चाहते थे, जिसके रीज़न से आज की इस वीडियो में आप सभी को मूवी के यूट्यूब प्रीमियर के बारे में चर्चा दे रहे हैं, जो कि ये मूवी आप लोगों को YouTube पर कुछ टाइम पहले देखने को मिला था, पर दोस्तों कुछ टेक्निकल रीजंस के वजह से मूवी को रिमूव कर दिया गया, जो ऑफिशियली आप सभी को Netflix पर देखने को मिल जाएगा। Netflix प्रीमियर कबीर सिंह जो आप सभी का एनिमल मूवी भी आप सभी को Netflix पर ही देखने को मिल सकता है। इतनी बढ़िया और बेहतरीन मूवीज आप सभी को देखने को मिल रही है Netflix प्रीमियर, और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज के साथ आप सभी को देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिए, और अपकमिंग डेज में कौन सी जॉनर की मूवी देखना पसंद करते हो, किस तरह के किरदार के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो, आप हमें कमेंट करिएगा। उनकी रीमेक मूवी जर्सी एक फ्लॉप मूवी रही थी, संदीप रेड्डी बागा के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवीज़ आप लोगों को देखना पसंद है, तो दोस्तों इस टाइम आप सभी को मैं और कुछ नई मूवी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों एनिमल मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा रहा है, जिसकी सबसे पहले आप लोगों ने उसी मूवी को थिएटर जाकर देखी है, इसके बाद ही आप सभी को अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा प्यारा और एक्साइटिंग मूवीज देखने को मिल जाएगा। इन दिनों आप सभी को शाहिद कपूर सर की बेहतरीन मूवी प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा, और संदीप रेड्डी के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवीज़ में आप सभी को महान अतिथि, स्प्रीत, अर्जुन रेड्डी, आदित्य वर्मा जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है। अपकमिंग डेज
उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों ने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे और इन दिनों लोगों के पास काफ़ी अच्छा खासा मूवी देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और # कबीर सिंह फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। अपकमिंग डेज में आप सभी को और भी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग बेहतरीन मूवीज़ आप सभी के पास हम लेकर आएंगे और आप सभी को इन जानना की मूवी ज़्यादा पसंद है और इस तरह के मूवी की प्रीमियर के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। अपकमिंग डेज में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। कियार एडवानी की करियर पर काफ़ी ज़्यादा मूवीज आ गई थी जिसमें से ये एक मूवीज़ ने उनकी करियर को इतना ज़्यादा चेंजेस किया और लाइफ टाइम चेंजेस मूवी बनी जिसके रीज़न से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने धूम मचा दिया था। आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और अपकमिंग डेज में आप सभी को इन जॉनर की मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे आप हमें बताइएगा। कबीर सिंह जैसी बेहतरीन मूवी आप सभी को पसंद है तो दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। सेलिब्रिटी भाका के डायरेक्टर बनी हुई मूवी एनिमल जो थिएटर पर हल्का पिट रही है उस मूवी को सबसे पहले आप लोगों ने थिएटर पर जाकर देखिए। उसके तुरंत बाद ही आप सभी को हम अपकमिंग नई डेज की मूवीज़ प्रीमियर में लेकर आएंगे और वो सब मूवी के बारे में आप सभी को हम अपडेट भी देने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर # कबीर सिंह फुल मूवी लेके कमेंट करिए और बताइए कि दोस्तों अपकमिंग डेज में आप सभी को और भी ज़्यादा एक्साइटिंग पैरा मूवी में कौन सी मूवी देखना पसंद है और कौन सी मूवी के किरदार के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो और आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी और बेहतरीन मूवी प्रीमियर करके भी दिखाएंगे। और इन दिनों आप सभी को कबीर सिंह जैसी बेहतरीन मूवीज़ देखना है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ढांसू कमाई करने वाली मूवीज़ के फ़ैन हो तो दोस्तों आप लोगों ने हमारे स्पीड को लाइक करिएगा। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ कियार एडवानी इस टाइम बॉलीवुड की एक पॉपुलर बन चुकी है। जी हाँ दोस्तों बॉलीवुड की एक पॉपुलर एक्ट्रेस बन चुकी है जिनकी मूवीज़ को लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। जिनकी पिछले टाइम रिलीज़ हुई काफ़ी सारी मूवीज़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर रही थी और लोगों को वो सब मूवी भी काफ़ी अच्छा लगा था और मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा इन दिनों इस तरह के मूवीज़ प्रीमियर के लिए और काफ़ी सारी सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ के लिए आप सभी को मैं भी रिकमेंड करूँगा और इस तरह के बेहतरीन मूवीज़ के साथ इस टाइम कबीर सिंह की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इतनी बेहतरीन कमाई करने के सबसे बड़े रीजंस की कियार एडवानी और शाहिद कपूर की एक्टिंग करियर, उसके साथ साथ संदीप रेड्डी भागा ने जिस तरह से मूवी के डायरेक्टर के अंदर काम किए और जिन्होंने इतनी पॉपुलर मूवी को डायरेक्ट किया, तीनों ही मूवी आप लोगों ने देख सकते हो संदीप रेड्डी भागा के करियर के अंदर जो काफ़ी पॉपुलर रह चुकी है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए और संदीप रेड्डी भागा की रिसेंटली रिलीज हुई मूवी आप लोगों ने एनिमल फुल एचडी पर देखी है और नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेना रिकमेंड करती है जो कि एनिमल मूवी भी फुल एचडी पर आप सभी को उधर ही देखने को मिल जाएगा। शाहिद कपूर सर की साल 2019 की रोमांटिक एक्शन मूवी कबीर सिंह के लिए इस वीडियो के अंदर आए हो तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे खास होने वाला है। जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2019 की रोमांटिक एक्शन मूवी कबीर सिंह की हिंदी यूट्यूब प्रीमियर के बारे में। तो दोस्तों आप लोगों में से कनकन कबीर सिंह फुल एचडी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिएगा। आईएमडीबी की तरफ से 7/10 की रेटिंग मिली हुई वन ऑफ द फाइनेस्ट एक बेहतरीन मूवी कबीर सिंह आप सभी को फुल एचडी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिएगा। आप सभी को बता दें कबीर सिंह के अंदर लीड कास्ट में आप सभी को शाहिद कपूर, कियार एडवानी, निकिता दत्त, टीना सिंह जैसे एक्टर लीड कास्ट में देखने को मिल जाएंगे। आप सभी को बता दें कि ये मूवी संदीप रेड्डी भागा ने डायरेक्ट किया है। जी हाँ दोस्तों संदीप रेड्डी भागा जिन्होंने हाल ही में रिलीज हुई मूवी एनिमल को ही डायरेक्ट किया था जो कि इतने बड़े इतने पॉपुलर डायरेक्टर जिन्होंने बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज़ को डायरेक्ट कर रहे हैं और सुपरहिट मूवीज़ आप सभी के पास लेकर आ रहे हैं। बेहतरीन मूवीज़ के डायरेक्टर संदीप रेड्डी भागा ने अपकमिंग डेज में इस मूवी के सीक्वल को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। आप लोगों में से कनकन संदीप रेड्डी भागा की हाल ही में रिलीज हुई मूवी एनिमल को फुल एचडी पर देख चुकी है या फिर नहीं सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करके बताइएगा और अपकमिंग डेज में आप सभी को संदीप रेड्डी भागा की अपकमिंग मूवी सीक्वल के बारे में आप सभी को जानकारी तो करवाएंगे। उसके अलावा आप सभी को इन दिनों
बेहतरीन बॉलीवुड की मूवीज देखने को मिल रही है आप लोगों को इस तरीके के फुल HD प्रीमियर पर मूवी देख रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। कबीर सिंह वन ऑफ द फाइनेस्ट एक बेहतरीन मूवी बन चुकी है। 2019 में रिलीज हुआ था इस मूवी को एक रोमांटिक मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर 379 करोड़ की कलेक्शन कर ली थी। एक बेहतरीन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कर लिया जो कि काफ़ी सारे लोग इस तरह के जनरा की मूवीज़ के लिए एक्साइटेड रहते थे। पिछले टाइम बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज डिजिटल प्रीमियर पर भी देखने को मिला था। लोगों को काफ़ी पॉपुलर मूवी के बारे में चर्चे हो रहे थे और लोगों के पास अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा प्यारा एक्साइटिंग रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद था। तेलुगु इंडस्ट्री के डायरेक्टर संदीप रेड्डी बागा ने पिछले टाइम बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज़ को लेकर आ चुकी है जो कि ये मूवी आप सभी को ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये मूवी ऑफिशियली आप सभी को नेटफ्लिक्स पर देखने को जाएगा। नेटफ्लिक्स प्रीमियर कबीर सिंह एक बेहतरीन रोमांटिक मूवी है जिसके वजह से शाहिद कपूर की करियर में इतना ज़्यादा चेंजेस आया, साथ ही साथ इसके वजह से KR आडवाणी के करियर में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया था जो कि इस मूवी के रीज़न से ही इन दोनों के करियर में इतने ज़्यादा चेंजेस आया। एक पॉपुलर मूवी बना था, लो बजट मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया था। आप लोगों में से कनकन इस तरह के जानरा की मूवीज़ फ़ैन हो, कबीर सिंह फुल HD पर देखना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। एक बेहतरीन मूवी अर्जुन रेड्डी का ऑफिशियली रीमेक मूवी होने के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने इतनी बढ़िया कमाई कर ली और इतने तेज़ी से वायरल हुआ था ये मूवी और संदीप रेड्डी बागा की डायरेक्टर बनी हुई इस मूवी ने जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बहुत ही तगड़े कमाई कर ली थी। और इस टाइम एनिमल मूवी जो कि संदीप रेड्डी बागा की डायरेक्टर पर बनी हुई मूवी एनिमल जिसने भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा दिया है। आप लोगों में से कनकन इस जानरा की मूवीज़ के फैन हो, इस तरह के मूवी हिंदी में देखना पसंद करती हो तो दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों को संदीप रेड्डी बागा का मूवी पसंद है, उनकी इस तरह के बेहतरीन मूवीज़ देखना पसंद करते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। इन दिनों आप सभी को बैक टू बैक सुपरहिट मूवीज़ देखने को मिल रही है जो कि पिछले टाइम आप सभी को बेहतरीन मूवीज़ के बारे में अपडेट जानना था और लोगों ने हमें कमेंट करके पूछ रहे थे ये सब मूवी की हिंदी फिल्में के लिए और इन दिनों बेहतरीन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचाने वाली बेहतरीन मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है। मैं आप सभी को हाईली रिकमेंड करूंगा, आप सभी को बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ प्रीमियर पर लेके दिखाना चाहता हूं जो कि पिछले टाइम लोगों ने इस तरह के जॉनर की मूवीज़ को देखना पसंद कर रहे थे और लोगों ने हमें कमेंट करके बताया था कबीर सिंह की फुल HD प्रीमियर कैसे यूट्यूब पर देखने को मिल जाएगा वो जानने के लिए जो कि शाहिद कपूर सर ने पिछले टाइम बैक टू बैक सुपर हिट मूवीज़ के अंदर काम कर चुके हैं। इसमें रोमांटिक एक्शन मूवी कबीर सिंह जो एक रीमेक मूवी होने के बाद भी उनकी इतनी पॉपुलरिटी रही। आप लोगों में से इस मूवी के फैन हो और आप सभी को बता दें ब्लडी डैडी हाल ही में रिलीज हुई शाहिद कपूर की लीड कास्ट में बनी हुई मूवी जो आप सभी को ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा। ये मूवी भी आप सभी को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स प्रीमियर पर रिलीज हुई ब्लडी डैडी भी वन ऑफ द फाइनेस्ट बेहतरीन मूवी बन चुकी है। आप लोगों में से कनकन इन जॉनरा की मूवीज़ के फ़ैन हो, इस तरह के मूवीज़ आप लोगों ने देखना पसंद करते हो तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है जिन जिन लोगों को कबीर सिंह जैसी रोमांटिक मूवीज़ देखना पसंद था और पिछले टाइम काफ़ी सारे लोग को आसानी से इन जॉनरा की बेहतरीन मूवीज़ देखने को मिल रही थी। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ और काफ़ी अच्छी खासी मूवी आप सभी को देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आप लोगों ने हमारे स्पीड को लाइक करिए और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ को देखना पसंद करते हो। कबीर सिंह जैसी एक रोमांटिक बेहतरीन मूवी जो तेलुगु इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं जो कि संदीप रेड्डी बागा ने इस टाइम पर प्रीमियर किया है जो आप सबने अभी थिएटर पर जाकर देख सकते हो। एनिमल मूवी रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना के लीड कास्ट में बनी हुई मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धांसू कमाई कर रही है और लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा है ये मूवी और लोग इन दिनों इस मूवी के बारे में काफ़ी ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं और लोगों ने इस जॉनर की मूवीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। आप लोगों में से कनकन संदीप रेड्डी बागा के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवीज़ देखना पसंद करती हो
और शाहिद कपूर के फैन हूँ। ब्लडी डैडी, जबी मेट, जर्सी जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ रहने के बाद इनकी 2023 में इस मूवी आया है। और कमिंग डेज में कौन सी मूवी आएगा, कौन से जॉनर की मूवी उनको देखने को मिल जाएगा, ये बात तो आप सभी को रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा। अभी हम आप सभी को कुछ कह नहीं सकते, मूवी के बारे में काफ़ी दिनों से चर्चे हो रहे थे और लोगों ने इस मूवी को फुल HD प्रीमियर पर देखना चाहते थे, जिसके रीज़न से आज की इस वीडियो में आप सभी को मूवी की YouTube प्रीमियर के बारे में चर्चा दे रहे हैं, जो कि ये मूवी आप लोगों को YouTube पर कुछ टाइम पहले देखने को मिला था, पर दोस्तों कुछ टेक्निकल रीजंस के वजह से मूवी को रिमूव कर दिया गया, जो ऑफिशियली आप सभी को Netflix पर देखने को मिल जाएगा। Netflix प्रीमियर कबीर सिंह, जो आप सभी का एनिमल मूवी भी आप सभी को Netflix पर ही देखने को मिल सकता है। इतनी बढ़िया और बेहतरीन मूवीज आप सभी को देखने को मिल रही है Netflix प्रीमियर, और बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज के साथ आप सभी को देखने को मिल जाएगा। आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करिए, और अपकमिंग डेज में कौन सी जॉनर की मूवी देखना पसंद करती हो, किस तरह के किरदार के लिए ज़रा एक्साइटेड रहती हो, आप हमें कमेंट करिएगा। उनकी रीमेक मूवी जर्सी एक फ्लॉप मूवी रही थी, संदीप रेड्डी भाकर की डायरेक्टर पर बनी हुई मूवीज आप लोगों को देखना पसंद है। तो दोस्तों इस टाइम आप सभी को मैं और कुछ नई मूवी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों एनिमल मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर धूम मचा रहा है, जिसकी सबसे पहले आप लोगों ने उसी मूवी को थिएटर जाकर देखी है। इसके बाद ही आप सभी को अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा प्यार और एक्साइटिंग मूवीज देखने को मिल जाएगा। इन दिनों आप सभी को शाहिद कपूर सर की बेहतरीन मूवी प्रीमियर भी देखने को मिल जाएगा, और संदीप रेड्डी के डायरेक्टर पर बनी हुई मूवीज़ में आप सभी को महानती, स्प्रीत, अर्जुन रेड्डी, आदित्य वर्मा जैसी काफ़ी सारी पॉपुलर मूवी आप सभी को देखने को मिल रही है। अपकमिंग डेज उन सभी के लिए सबसे खास होने वाला है, जिन जिन लोगों ने इससे पहले काफ़ी सारी पॉपुलर मूवीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे, और इन दिनों लोगों के पास काफ़ी अच्छा खासा मूवी देखने को भी मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, और #कबीर सिंह फुल मूवी लेके कमेंट करिएगा। अपकमिंग डेज में आप सभी को और भी ज़्यादा प्यारा, एक्साइटिंग, बेहतरीन मूवीज़ आप सभी के पास हम लेकर आएंगे, और आप सभी को इन जॉनर की मूवी ज़्यादा पसंद है और इस तरह के मूवी की प्रीमियर के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहती हो, तो दोस्तों सबसे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। अपकमिंग डेज में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा प्यारा, एक्साइटिंग मूवी प्रीमियर में लेकर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। कियारा आडवाणी की करियर पर काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ आ गई थी, जिसमें से ये एक मूवीज़ ने उनकी करियर को इतना ज़्यादा चेंजेस किया और लाइफ टाइम चेंजेस मूवी बनी, जिसके रीज़न से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर इस मूवी ने धूम मचा दिया था। आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, और अपकमिंग डेज में आप सभी को इन जॉनर की मूवीज़ के अलावा कौन सी मूवी देखना पसंद करोगे, आप हमें बताइएगा। कबीर सिंह जैसी बेहतरीन मूवी आप सभी को पसंद है, तो दोस्तों आप लोगों ने सबसे पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा। संदीप रेड्डी भाकर की डायरेक्टर बनी हुई मूवी एनिमल, जो थिएटर पर हल्का पिट रही है, उस मूवी को सबसे पहले आप लोगों ने थिएटर पर जाकर देखिए। उसके तुरंत बाद ही आप सभी को हम अपकमिंग नई डेज की मूवीज़ प्रीमियर में लेकर आएंगे, और वो सब मूवी के बारे में आप सभी को हम अपडेट भी देने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर #कबीर सिंह फुल मूवी लेके कमेंट करिए, और बताइए कि दोस्तों अपकमिंग डेज में आप सभी को और भी ज़्यादा एक्साइटिंग पैरा मूवी में कौन सी मूवी देखना पसंद है, और कौन सी मूवी के किरदार के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और आप सभी को और भी ज़्यादा सुपर एक्साइटिंग मूवी और बेहतरीन मूवी प्रीमियर करके भी दिखाएंगे, और इन दिनों आप सभी को कबीर सिंह जैसी बेहतरीन मूवीज़ देखना है और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ढांसू कमाई करने वाली मूवीज़ के फ़ैन हो, तो दोस्तों आप लोगों ने हमारे स्पीड को लाइक करिएगा। बैक टू बैक सुपर डुपर हिट मूवीज़ के साथ कियारा आडवाणी इस टाइम बॉलीवुड की एक पॉपुलर बन चुकी है, जी हाँ दोस्तों बॉलीवुड की एक पॉपुलर एक्ट्रेस बन चुकी है, जिनकी मूवीज़ को लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दे रहे और पसंद कर रहे, जिनकी पिछले टाइम रिलीज हुई काफ़ी सारी मूवीज़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई कर रही थी, और लोगों को वो सब मूवी भी काफ़ी अच्छा लगा था। और मैं आप सभी को रिकमेंड करूँगा इन दिनों इस तरह के मूवीज़ फिल्म के लिए और काफ़ी सारी सुपर एक्साइटिंग मूवीज़ के लिए।